अस्सलाम वालेकुम भाइयों और दोस्तों, सबसे पहले तो जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनका ज़रा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम। अच्छा ठीक है, अच्छा ये चीज़ें भी रिवाइज कर देंगे। अच्छा जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनका ज़रा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। सबसे पहले तो आप, नाम क्या है आपका? हसन। अच्छा यार, इनमें से एक फ़ैन शायद शोर ज़्यादा कर रहा है, एक को बंद कर दें जो शोर ज़्यादा कर रहा है, ताकि ना मुझे ये यहाँ पर आवाज़ नहीं समझ आ रही सही। अच्छा अच्छा क्या नाम बताया आपने? हसन। अच्छा और क्या कहते हैं, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। अच्छा कोर्स कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है आपका? अच्छा थोड़ा सा बैकग्राउंड है, गुड जी। आप मरियम इमाम? अच्छा मरियम अलीम। अच्छा और ज़रा सा बताएं अपने बारे में आप। मास्टर्स किया हुआ केमिस्ट्री में, गुड यार। मेरे बड़े भाई भी मास्टर्स कर रहे हैं केमिस्ट्री में, और इसका मतलब है कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड आपका भी नहीं है। अच्छा आप जी ज़रा सा बताएं अपना इंट्रोडक्शन। अच्छा गौसिया जी, और बताएं अपने बारे में। बैचलर ऑफ कॉमर्स, गुड ज़बरदस्त। और जॉब वगैरह चल रही है साथ में? फुल टाइम पढ़ाई है? ज़बरदस्त। अच्छा पढ़ाई हमेशा फुल टाइम होती है? आ जाओ उमर, तुम भी आ जाओ। अच्छा अपना भी जो लैपटॉप है ना, हाँ वो यहीं रख लो, ठीक है। अच्छा तुम ना मुझे कमेंट्स ज़रा देखते रहना कि अगर कोई सवालात कमेंट्स में आएंगे तो वो मुझे उमर बताएंगे। तो आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अच्छा सबसे पहले तो आप लोगों को यार, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, देखो यार, अच्छा जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं और जो यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहली बात, दुनिया में ना यार ज़िंदगी गुजारने के ना कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो जिससे ना आपकी ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। नंबर वन, अच्छा सबसे पहले तो ये बताएं कि आप तीनों अलग अलग के कितने दोस्त बनाए हैं अभी तक क्लास में अपनी? आपने कितने दोस्त बनाए? कोई भी नहीं बनाया? ऑनलाइन एक दो हैं ग्रुप्स वगैरह पे। तुमने कितने बनाए? एक भी नहीं बनाया तुमने? एक बनाया, गुड। अच्छा शुरुआत एक से ही होती है। अच्छा मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूँ, मैं ज़रा सा आपको अपना एक सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ एक। तो मैं कुछ दिन पहले ना, मेरा इत्तेफाक हुआ क्वेटा जाने का। अच्छा तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि आप लोग भी गौर से सुने जो लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं लाइव, वहाँ मैंने यार क्या देखा, मैं हम गुजर रहे थे गाड़ी पे, हमारी ड्राइवर से अच्छी बातचीत हो गई। तो यार एक काम करें, आप लोग ज़रा यहाँ मूव हो जाएं ज़रा, ताकि ना मुझे ये कैमरा इधर है और आप लोग इधर है ना, तो मुझे ऐसे देखना पड़ रहा है। या इमरान भाई अगर कैमरा थोड़ा सा इधर मूव कर सकते हैं? हाँ अच्छा, ताकि ना मुझे ये थोड़ी सी मैं तार, अच्छा तार छोटी है, बहुत ही तार छोटी है, ये नहीं जाएगी वहाँ, आप लोगों को ही आना पड़ेगा यहाँ। हाँ ठीक है, यहाँ पे तीनों ना साइड ऐसे लाइन से बैठ गए यहाँ पे आप लोग। अच्छा ठीक है, ताकि ना मैं जब रिलैक्स नहीं बैठा होगा ना तो फिर होगा नहीं, सबसे पहले रिलैक्स होना चाहिए बंदे को, रिलैक्स होके बिल्कुल बैठो। अच्छा अच्छा तो मैं ये बता रहा था के, अच्छा मेरा इत्तेफाक हुआ क्वेटा जाने का, हम गुजर रहे थे रास्ते से, हम जा रहे थे क्वेटा से खुशदार, सॉरी खुशदार कह रहा हूँ, ज़ियारत। वहाँ पे रास्ते में जो है ना, मैंने देखा कि यार बहुत सारे दरख्त हैं, अच्छा एकदम डरावना सा सीन, बहुत सारे दरख्त थे और बिल्कुल बड़े दरख्त, मोटे मोटे और बड़े वाले दरख्त, मगर उसमें ना पत्ते वत्ते कोई नहीं थे, एकदम सूखा कांटा की तरह, कांटे की तरह थे। अच्छा फिर क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आगे गया तो वही सिलसिला चल रहा था, उसके नीचे मैंने देखा लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं काफ़ी सारी। अच्छा लकड़ियाँ ऐसी जैसे बेड वगैरह की लकड़ी नहीं होती, कटी हुई स्क्वायर चकोर प्रॉपर काटी हुई लकड़ी। तो अच्छा मुझे ऐसा लगा कि यार ये कोई ना टिम्बर माफिया, ये लकड़ियाँ काटेगा यहाँ पे, लकड़ियाँ काट रहा है यहाँ पे। अच्छा तो अब क्यूरियोसिटी, ज़िंदगी में तो क्यूरियोसिटी सब कुछ है, वो कहते हैं ना कि क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, तो क्यूरियोसिटी हुई कि यार ये है क्या। अच्छा ड्राइवर को मैंने पूछा भाई क्या है ये, अच्छा ड्राइवर ने कहा कि ये सेब के बागात हैं, जो एप्पल्स होते हैं ना उसके बाग हैं ये। अच्छा मैंने कहा यार एप्पल तो उसमें है ही नहीं, कह रहे अभी सीज़न नहीं है इसलिए नहीं है। अच्छा पत्ता भी कोई नहीं था। फिर मैंने कहा कि यार ये लकड़ियाँ क्या कर रही हैं यहाँ पे, मतलब इसको काट रहे हैं क्या कर रहे हैं? उसने कहा नहीं काट नहीं रहे, ये जो लकड़ियाँ हैं ना इसको क्या करते हैं कि जब जब इसका सीज़न आता है, गर्मियों में आता है, पता नहीं कब आता है, उस वक्त सर्दियाँ थी वैसे जब मैं गया था, तो इसमें पत्ते भी लगते हैं फिर फल भी लगते हैं बहुत सारे। अच्छा जब इसमें फल लगते हैं ना तो ये भारी हो जाता है दरख्त।
अच्छा, और भारी हो के वो टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि सेब का ना काफी वजन होता है, वो टूटना शुरू हो जाता है, वो पत्ते फल या तो टूट टूट के गिर के जाया होते हैं, बाज दफा वो पूरा दरख्त ही गिर जाता है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो जो लकड़ियां रखी हुई है ना नीचे शेटरिंग के टाइप की लकड़ियां, उसको वो नीचे लगा के उसके और उसको बांध के या ठोक के कुछ करके ना कर देते हैं ताकि वो गिरे नहीं, टूटे नहीं। तो अच्छा, मैं एकदम क्लिक हो गया मेरे, कहीं भी बैठ जाए कहीं भी बैठ जाए, एकदम क्लिक हुआ मेरे कि यार ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इससे फिर मैंने क्या सीखा, मैं आप लोगों को असल बताने का जो मकसद है कि यार जिंदगी में जो है ना दोस्त बनाना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों को अपने गिर्द इकट्ठा करना जरूरी है जो आपके कॉज को सपोर्ट करते हो। अगर आपने जिंदगी में अच्छे दोस्त नहीं बनाए, अगर आपके गिर्द ऐसे लोगों का जमगट्ठा नहीं है जो आपके कॉज को सपोर्ट करें, तो क्या होगा कि जैसे ही आप, अच्छा आप पढ़ लिख रहे हैं माशाल्लाह, मेहनत भी कर रहे हैं, तो तरक्की तो आपका मुकद्दर वैसे ही है, तो जैसे ही आप तरक्की करना शुरू होंगे, जैसे ही आप में फल लगेंगे जब, तो आप उस फल का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और आप टूट जाएंगे। अच्छा, तो उस वक्त आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी अपने इर्द गिर्द जो आपको सहारा दे सके उस वक्त में। अच्छा, तो जिंदगी में दोस्त बनाना सबसे जरूरी काम है। अच्छा, और अगर दोस्त नहीं बनाए आप, तो आप उसी सेब के दरख्त की तरह टूट फूट के बिखर जाएंगे और कोई आपको संभालने वाला नहीं होगा। अच्छा, एक और बात, अब दोस्त बनाने के लिए कैसे लोगों का होना जरूरी है, आपको कोई इंजीनियर आलिम फाजिल नहीं चाहिए दोस्त बनाने के लिए। अच्छा, वो जैसे मैं वो लकड़ियों को भी मैं देख रहा था जो पड़ी हुई थी नीचे, सिंपल बिल्कुल सादा, कोई उस पर नक्शो निगार नहीं हुआ हुआ था, वो सिंपल लकड़ियां थी, मतलब स्क्वायर कटी हुई सीधी सीधी लकड़ियां, यानी कि सिंपल लोग। अच्छा, जो हीरे होते हैं ना, देखो हीरे कहाँ से निकलते हैं, हीरे आप लोगों को पता है कहाँ से निकलते हैं, कोयले की कान से निकलते हैं। अच्छा, जब वो हीरा निकलता है तो वो देखने में वो हीरा लग भी नहीं रहा होता, आप लिखेंगे ना रॉ डायमंड स्मगल वगैरह आप सुनते रहते होंगे, अक्सर होता है, तो उसको जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये हीरा थोड़ी है, ये तो ऐसा लगेगा कुछ नमक वगैरह का टुकड़ा है या कोई पत्थर है, उस पर वो हर जगह कोयला लगा हुआ होता है। अच्छा, तो आप में जो लोग बैठे हुए हैं ना सारे क्लास में, अभी भी जो बैठे हुए हैं और वहां भी जो बैठे हुए होते हैं, उनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो हीरा हैं, आपको जरूरत इस बात की उनको पहचानने की जरूरत है। अच्छा, वो सिंपल है बिल्कुल, सादा है, वो उनके चेहरे पे कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको उनको पहचानने की जरूरत है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि यार मुझे दोस्तों की तो जरूरत नहीं है, मेरे तो ब्लड रिलेटिव इतने सारे हैं और क्या कहते हैं, मेरे तो दोस्त हैं भाई हैं। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लड रिलेटिव इज अ डिफरेंट थिंग, ऐसे लोग जो आपके कॉज को सपोर्ट करें इज अ डिफरेंट थिंग। तो आपको ऐसे लोगों को अपने आसपास जमा करने की जरूरत है जो आपके कॉज को सपोर्ट करें। अच्छा, और आपको पता कैसे चलेगा, हीरे को परखने के लिए आपको उसके करीब जाना पड़ेगा, उसको उठा के देखना पड़ेगा, उसको गौर से साफ करके चेक करना पड़ेगा। तो आप भी जिंदगी में, मैं क्या करता हूँ, अब मैं जिंदगी में ये करता हूँ कि दोस्त बनाता हूँ और दोस्त के साथ थोड़ा टाइम गुजार के और समझता हूँ कि यार आया कि ये मेरे कॉज को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हम ख्याल लोग मिलते हैं इस तरह से। अच्छा, तो आप जब तक अप्रोच नहीं करेंगे, जब तक आप दोस्त बनाएंगे नहीं, आपको हम ख्याल लोग मिलेंगे ही नहीं। अच्छा, अब प्रोग्रामिंग के परस्पेक्टिव से हम बात करते हैं, आपको कोई एरर में आप फंस गए, अच्छा आप दूसरे को अप्रोच नहीं कर रहे इस वजह से कि यार ये तो कहेगा कि यार केमिस्ट्री की है लड़की है और इसको तो कुछ आ ही नहीं रहा। अच्छा हाँ, वो आप जरा कमेंट्स पे नजर रखें, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरे सामने कमेंट्स नहीं आ रहे, वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। अच्छा, आप देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा था मैं, भूल गया। हाँ, आप दूसरे को अप्रोच इसलिए नहीं कर रहे कि आप सोच रहे हैं कि यार और सामने वाला समझेगा कि ये तो केमिस्ट्री के बैकग्राउंड की लड़की है या ये तो कॉमर्स के बैकग्राउंड का लड़का है, तो वो ना मुझे इंसल्ट कर देगा। अच्छा, करते भी बहुत सारे लोग करते भी हैं, मगर आप ये सोच के अप्रोच नहीं कर रहे। अच्छा, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, इसको म्यूट कर दीजिएगा, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि केमिस्ट्री के बैकग्राउंड के हैं या कॉमर्स के बैकग्राउंड के हैं। अच्छा, वो भी आपको अप्रोच नहीं कर रहे क्योंकि उनको भी यही लग रहा है सेम चीज, तो किसी एक को पहल करनी होगी। अच्छा, जब तक कोई एक पहल नहीं करेगा ना, ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं होगी। अच्छा, और हमने ग्रुप्स जो बनाए हैं फेसबुक के, वो बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। मैं पता नहीं क्यों ऐसा अभी तक हो नहीं रहा कि ग्रुप पे ना इतनी डिस्कशन हो नहीं रही है फेसबुक वाले पे, क्योंकि 1700-1800 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगी, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा ये ग्रुप, मगर वो ऐसा हुआ नहीं अभी तक। खैर, तो
दूसरों को अप्रोच करना है, दोस्ती करनी है, अपने हमख्याल लोग तलाश करना है ताकि वो अच्छे और बुरे वक्त में आपके कॉज को सपोर्ट करें, आप कहीं एरर में फंसे या आप किसी चीज में भी प्रॉब्लम हो आपको, तो आप उनसे शेयर करें और हमख्याल लोग आपको अच्छा ही मशवरा देते हैं। अच्छा, आपका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, अपना नाम जरा सा बताएं। मोहम्मद जफर, और अपने बारे में जरा बताएं। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में बीई किया है अपने, गुड, जबरदस्त। और अभी सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं साथ में? हाँ नहीं, वो तो आप हैं, वो जब भी आप यहाँ पे आए हैं, मगर आप साथ में कुछ और कर रहे हैं या सिर्फ फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, अब जरा सा हम ना एरर्स की तरफ आते हैं, क्योंकि ये हेल्प डेस्क है तो आपको जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं वो हम यहाँ पे उसको सॉल्व करने के लिए हमने ये रखा है सेशन। तो अच्छा, अब जरा सा ये बताएं कि TOML वाला एरर किस किस के पास अभी तक आ रहा है, कोई है सर यहाँ पे? अच्छा, बारी बारी शुरू करते हैं हम, बिल्कुल शुरू से। हेलो वर्ल्ड सबने बना लिया आप लोगों ने? अच्छा, हेलो वर्ल्ड एक बगैर कार्गो वाला है जो शुरू में बिल्कुल है चैप्टर वन के, वो सबने बना लिया आप लोगों ने? अच्छा, और उसके बाद फिर कार्गो वाला हेलो वर्ल्ड है, वो बना लिया आप सब लोगों ने? बना लिया, उसमें समझ आ गया, कोई डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कौन सी उसमें कौन सी वाली फाइल क्या कर रही है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपने भी कर लिया ये? अच्छा, और ज़रा सा ये इमरान भाई ने बड़ा ज़बरदस्त सा मुझे बना के दिया है, लिनक्स की इंस्टॉलेशन। हाँ अच्छा, वीडियोज़, हाँ ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी जो डिस्टेंस लर्निंग वाली वीडियोज़ हैं उनका एक्सेस आप लोगों के पास भी है, जो ऑन साइट वाले लोग हैं ना जो इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं। हाँ, portal.pic.org पे आप जाके और अपना रोल नंबर वगैरह वहाँ पे डालेंगे तो आपको वो लॉगिन कर जाएंगे आप उसमें। अच्छा, तो वो वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं तो वो भी आप कोशिश कीजिएगा देखने की, क्योंकि उसमें चूंकि डिफरेंट टीचर्स हैं जो आपको बैरिया में पढ़ा रहे हैं उससे डिफरेंट हैं वहाँ पे टीचर्स, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको डिफरेंट तरीके से वो एक ही चीज़ डिफरेंट तरीके से सुनने को मिलेगी तो आपको शायद बेटर समझ आए। अच्छा, अब आगे क्या है? लिनक्स के इंस्टॉलेशन। अच्छा, आप अभी आई हैं, हम जो जो लोग आते जा रहे हैं ना हम उनका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और उनसे हम कुछ पूछ रहे हैं उनके बारे में, जरा सा अपना नाम बताएं और अपने बारे में कुछ बताएं आप। ताबिंदा हैं आप और आपका ऑनलाइन प्रोग्राम में डिस्टेंस लर्निंग में, ठीक, गुड है। हाँ हाँ, ऑनलाइन वाले भी आ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, और एक्चुअली ऑनलाइन वाले ही चूंकि ऑनलाइन वाले से इंटरेक्शन बहुत कम है ना तो उनके लिए ज्यादा जरूरी है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल जबरदस्त, सही जगह ही है बिल्कुल। अब अच्छा, और आपका क्या है बैकग्राउंड, कंप्यूटर साइंस का है या क्या किस चीज़ का है? अच्छा, ताबिंदा का जो है वो मेडिकल का बैकग्राउंड है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं। अच्छा, अभी आपको ना जाने से पहले यहाँ पे आपको आप सब आपस में दोस्तियाँ करनी है, जो कि मैंने कहानी पहले सुना दी आपको कि क्यों करनी है। अच्छा, आपका भी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ पीछे। मोईज़ हुसैन, क्या करते हो भाई? सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस? अरे गुड यार, कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड वाले भी हैं यहाँ पे, तो देख लो यही है बंदा, नहीं देख लो यही है बंदा, कोई भी मसला है ना यही है बंदा। अच्छा जी, आपका इंट्रोडक्शन? आयशा, सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग, गुड। अच्छा, और फुल टाइम पढ़ाई चल रही है? गुड यार। अच्छा, हम कहाँ तक पहुंचे थे? लिनक्स के इंस्टॉलेशन। लिनक्स आप सब लोगों ने इंस्टॉल कर लिया? तुमने नहीं किया, क्यों कर? अच्छा, विंडोज 10 भी चलेगा, मसला नहीं है, विंडोज 10 भी चलेगा, लेकिन अगर लिनक्स कर लो तो बेटर है। अच्छा, उससे होगा क्या? देखो, लिनक्स करने का दो तीन फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, जितने भी कंप्यूटर साइंस की जो टेक्निकल किस्म की जॉब है ना सब में लिनक्स इस्तेमाल होता है। कोई भी सर्वर का एनवायरमेंट है, कोई भी वेयर हाउस है या इस तरह की कोई भी चीज़ है ना जो टेक्निकल जॉब है कंप्यूटर साइंस की, उसमें ज्यादातर लिनक्स इस्तेमाल होता है। अगर आपको इसी कोर्स के बहाने लिनक्स भी थोड़ी सी आ जाए तो क्या बुरा है, असल मकसद ये है। अच्छा, और अगर तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की लिनक्स आ गई आपको, जो हम यहाँ कवर नहीं कर रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की हम लिनक्स कवर नहीं कर रहे इस कोर्स में, लेकिन अगर आ गई आपको तो वो वैसे ही आपके लिए काफ़ी है जॉब मिलने के लिए, एक वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ। तो असल रीज़न ये है लिनक्स करवाने का। अच्छा, दूसरा नंबर दो, ये तो पहला रीज़न है, नंबर दो रीज़न ये है, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? अच्छा, नंबर दो रीज़न ये है कि भाई पूरी दुनिया में ना जो डेवलपर्स हैं
वो चूंकि लिनक्स के आशिक हैं, तो जितने भी ना नए किस्म के सॉफ्टवेयर बनते हैं डेवलपर्स के लिए, खास तौर पे जो SDK बनते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, यानी सॉफ्टवेयर को बनाने के जो टूल्स बनते हैं, वो ना उनकी पहली प्रेफरेंस होती है लिनक्स आम तौर पे। अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसा नहीं भी होता, बाज़ दफ़ा तीनों को एक साथ वो टारगेट कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखने में आया है कि लिनक्स को वो पहले प्रेफर करते हैं। तो अच्छा, अगर आपको लिनक्स बिल्कुल भी ना आती हो ना, बिल्कुल भी उसका आपको पता नहीं हो कि ये डॉलर जो बना हुआ है ये क्या मतलब है इसका, तो आपको ना बड़े मसले हो सकते हैं। तो एक ये भी रीजन है। अच्छा यार, एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग बाद में आए, आप लोग ना जरा एक तरफ हो जाएं ताकि मुझे ना एक तरफ देखना पड़े, ये कैमरा है ना, मुझे दोनों साइड देखना पड़ रहा है, तो अगर आप यहां आ जाए तो मैं जरा थोड़ा कंफर्टेबल रहूंगा। अच्छा हाँ, नहीं यही बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ यार, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो लिनक्स करवाने के ये दो रीजन थे जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? अच्छा, ये समझ आया सबको? तो कोशिश करना कि अपनी मशीन में ना लिनक्स कर लो। अच्छा, विंडोज बचपन से चला रहे हो ना, विंडोज तो आती है चलानी, मतलब विंडोज अगर नहीं चलाओ थोड़े दिन तो मसला तो नहीं है ना, विंडोज तो सीख गए, जो सीखना था ना विंडोज में वो सीख गए, इतना ही लिनक्स में सीख जाओ एटलीस्ट। तो घर जाके ना विंडोज को हटा देना अपनी मशीन से और उसमें यूबंटो कर लेना। अच्छा, लिनक्स के ना बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन हैं, मतलब एक ही लिनक्स है, उसको अलग अलग नाम से ना अलग अलग लोगों ने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके बनाया हुआ है डिफरेंट कंपनीज ने, चूंकि लिनक्स तो है ओपन सोर्स, तो वो उन्होंने कर्नल को ओपन सोर्स रखा है, तो कर्नल को ओपन सोर्स रखने की वजह से जिसका भी दिल करता है ना वो उसको डाउनलोड करता है कर्नल को, और उसमें अपने यूटिलिटीज को डाल के अपने नाम से डिस्ट्रीब्यूशन बना देता है। हाँ अच्छा, कर्नल वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक समझे आपके मगज होता है, ब्रेन होता है, अब उसकी डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जैसे मुझे अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने लिनक्स बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा, वो कर्नल डाउनलोड करके उसमें अपने मर्जी की यूटिलिटीज डाल के, और उसमें मैं एक मैंने अपना बना दिया। अच्छा, उसका मैंने क्या नाम रखा, मलिक OS, ये मैंने नाम रख दिया उसका, क्योंकि मेरा नाम इंजमाम है, या इंजमाम OS रख दिया मैंने, तो ये लिनक्स हो गया, या इंजमाम लिनक्स हो गया। तो इसी तरह जैसे यूबंटो है ना, वो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी ने बनाई है, वो कोई कंपनी है उसने बनाई है। अच्छा, यूबंटो रेकमेंड करने का क्या रीजन है, वो चूंकि निस्बतन आसान है बाकी डिस्ट्रीब्यूशन से, और थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली है, जो लोग विंडोज से मूव होके आते हैं उनको निस्बतन आसान लगता है। दूसरा ये डुअल बूट नहीं करो ना, उड़ा दो विंडोज, कोई मसला तो नहीं है, काम वगैरह करती हो कुछ ऐसा जो विंडोज के बगैर नहीं। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग गेमिंग वगैरह के शौकीन होते हैं तो गेम्स उसमें चलते नहीं है, गेम नहीं है फिर। हाँ अच्छा, नहीं नहीं वो देखो कंप्यूटर में ना पहली बात तो ज्यादा चीजें जमा नहीं किया करो, एक ड्रॉप बॉक्स बना के ना सब उसमें डाल दिया करो, मैं तो यही करता हूँ, क्योंकि अब मिसाल के तौर पर यह मेरा लैपटॉप है, अभी जाते हुए चोट लग गई कुछ उसको, ये डेड हो गया या खराब हो गया, हार्ड ड्राइव वैसे ही खराब हो जाती है कभी भी, तो क्या कहते हैं वो तो गया मेरा सारा डाटा, या वैसे ही कभी लाइट चली गई चलते चलते एकदम, कंप्यूटर अगर डेस्कटॉप है तो वो तो गया, तो वो हार्ड ड्राइव में रखा नहीं करो ये चीज़ें, ये उसमें डाल दो ड्रॉप बॉक्स में, मैं तो यही करता हूँ। हाँ, क्लाउड में डाल दो, तो उससे क्या होगा कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह टाइप की चीज़ें ना क्लाउड में चली गई तो अब वो एक्सेसिबल है कहीं से भी। मिसाल के तौर पर अभी अगर मेरी विंडोज क्राफ्ट, क्योंकि मैं भी विंडोज़ का यूज़र हूँ, लिनक्स भी है मेरे पास लेकिन विंडोज का ज्यादा इजी रहता है मुझे, तो मैं लिनक्स पे खुद भी नहीं हूँ, मैं ये पहले ही बता दूं, कहीं आप लोग बाद में कहेंगे यार इंजमाम भाई दूसरों को तो नसीहतें करते रहते हैं खुद विंडोज चलाते हैं तो मैं विंडोज चलाता हूँ लेकिन लिनक्स भी है मेरे पास, तो मैं वो मैंने एक्चुअली दो हार्ड ड्राइव लगाई है वो। हाँ हाँ अच्छा, मैंने ये कैसे किया, वैसे डुअल बूट भी एक ऑप्शन है लेकिन मैंने ये कैसे किया वो मैं बता देता हूँ। मैंने जो है ना दो हार्ड ड्राइव लगाई है, एक लगी हुई है इसके अंदर जो होती है हार्ड ड्राइव, और एक लगाई है मैंने साइड में सीडी रोम की जगह पे। तो क्या होता है कि जो अंदर वाली हार्ड ड्राइव है उसमें मैंने विंडोज कर लिया, और जो बाहर वाली हार्ड ड्राइव है उसमें मैंने यूबंटो कर लिया। अच्छा, अब जब मेरा कंप्यूटर ऑन होता है ना तो मैं दबाता हूँ F9। अच्छा, उससे वो मुझे ऑप्शन देता है कि बूट फ्रॉम हार्ड ड्राइव 1 और बूट फ्रॉम हार्ड ड्राइव 2, तो जब मुझे लिनक्स चलानी होती है मैं हार्ड ड्राइव 2 से बूट करता हूँ और वरना 1 से कर लेता हूँ, तो ये मेरे लिए ईजी है। वो डुअल बूट से ना वो बहुत टेंशन वाली चीज़ है, वो नहीं करना, मतलब कर लेना अगर तुम्हें सही लगे तो, लेकिन मुझसे तो नहीं हुआ, वो बर्दाश्त नहीं हुआ, उसकी टेंशन है मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैंने ये कर लिया। अच्छा, और अभी कुछ नए लोग और आ गए, आप सर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कराएं अपना ताकि इंटरेक्टिव रहे क्लास।
जुनेद, जुहेब, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, गुड यार, जबरदस्त। अच्छा HTML CSS आपने पढ़ी हुई है पहले से, गुड। अच्छा ऑटो कैड भी, अच्छा फ्रीलांसिंग करते हैं आप, ऑटो कैड पे काम करते हैं यानी कि 2D ग्राफिक्स, वेक्टर ग्राफिक्स पे काम करते हैं आप। अच्छा मॉडलिंग भी करते हैं आप, 2D मॉडलिंग। अच्छा 3D मॉडलिंग भी करते हैं आप। अच्छा यार गुड यार, जबरदस्त, थैंक यू। अच्छा तो अच्छा ये हो गया यार, मुझसे क्लास के बाद वैसे मिलना, मुझे एक बात तुमसे पूछनी है 3D मॉडलिंग के हवाले से, मैं भूल ना जाऊँ, याद दिला देना। अच्छा और अभी और भी कुछ लोग नया आए हैं, जरा अपना इंट्रोडक्शन कराएं ताकि मुझे पता चले। जी प्लीज, सना अजमल जरा सा बताएं क्या बैकग्राउंड है, टीचिंग का बैकग्राउंड है, जबरदस्त यार। टीचर्स देखो, इस माशरे को जितनी जरूरत टीचर की है ना, और किसी चीज की नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा लोगों से एक बात कहता हूँ कि आप किसी को अगर अभी मैं लेता हूँ ये क्वेश्चन, इसको रखें यहाँ पे। मैं हमेशा लोगों से ये बात कहता हूँ कि यार अगर आप ना किसी को खाना खिला दें, वो उसको दोबारा भूख लग जाएगी, क्या करेगा वो, फिर उसको दोबारा खाना चाहिए। अगर आप किसी को पैसे भी दें तो दोबारा उसको खर्च हो जाएंगे वो। लेकिन अगर आप किसी को पढ़ा दें कुछ एज अ टीचर, तो वो खुद फिर कमाने के काबिल हो जाता है, इससे आता है चेंज। तो यू कैन मेक चेंज, गुड। अच्छा और जी प्लीज, वाईम सलाम। इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दिए हैं और टीचिंग कर रहे हो आप भी टीचिंग कर रहे हो, गुड यार जी। और आपका मेरे ख्याल न्यू इंट्रोडक्शन, रेड टी शर्ट आपका भी हो गया, गुड। अच्छा यार हाँ क्या कह रहा था मैं, कहाँ तक पहुँचा था मैं भूल गया। हाँ अच्छा, ये लिनक्स वाला हमने मसला देख लिया कि यार लिनक्स ना आप लोग इंस्टॉल कर लें अगर फिजिबल है तो, नहीं भी करेंगे मसला नहीं है, कोर्स की सब चीज़ें कवर होंगी इसमें भी, विंडोज में भी सब कुछ चलेगा, लेकिन लिनक्स सीख जाओ तो यार क्या बुरा है, कुछ बुरा तो नहीं है ना। और लिनक्स में कहीं फंसोगे तो हम लोग बैठे हुए हैं, हम हेल्प भी करेंगे। मिसाल के तौर पर कोर्स खत्म होने के बाद लिनक्स सीखोगे तो फिर कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, अभी तो हम लोग बैठे हैं सारे, ठीक है। अगर कोई कहीं से भी मसला हल नहीं हो तो मैं खुद पर्सनली मसला हल करने के लिए बैठा हूँ। अच्छा अब रस्ट की इंस्टॉलेशन, कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा रस्ट की इंस्टॉलेशन, हाँ अभी आते हैं हम कोडिंग पे। अच्छा रस्ट की इंस्टॉलेशन, सब लोगों ने, किसी को इसमें प्रॉब्लम? अच्छा अच्छा रस्ट का हेलो वर्ल्ड भी बना लिया है, पहले पूछ चुका हूं मैं, जो नए लोग आए उन्होंने भी हेलो वर्ल्ड बना लिया है, कार्गो वाला बगैर कार्गो वाला दोनों बना लिया है। अच्छा अब एक सीक्वेंस, विजुअल स्टूडियो कोड सबने इंस्टॉल कर लिया, मसला तो नहीं हुआ कोई इंस्टॉल करने में? अच्छा विजुअल स्टूडियो कोड के हवाले से कोई ऐसा सवाल जो जहन में आ रहा हो, कोई भी ऐसा सवाल जो मतलब कोई चीज समझ में ना आई हो उसके अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड मतलब क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या चक्कर है इसका, कोई भी सवाल? अच्छा अब मेरे ख्याल है ना ये सीक्वेंस से जाने वाला काम नहीं कर रहा सॉल्यूशन, अब एक काम करते हैं हम आप लोगों से पूछते हैं डायरेक्ट सवाल के किसको कहाँ पे प्रॉब्लम है, ताकि हम डायरेक्ट फिर जंप करके वहां जाएं, टाइम हमारा बचे, ताकि ऐसे ही। अच्छा ये आप में से किसी ने किया क्वेश्चन, गुड। अच्छा कॉन्स्ट कीवर्ड से जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो ग्लोबल भी होता है तो यू उसे मेमोरी से डी एलोकेशन कैसे करेंगे? अच्छा देखो यार कॉन्स्ट का जो कीवर्ड होता है ना, क्या हुआ? अच्छा नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, आप खड़े होकर मुझे बोले मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि अगर सामने वाले को क्वेश्चन का नहीं जाता है आवाज तो मैं रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन। अच्छा तो अभी पहले तो ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसलिए मना कर रहा हूँ ना कि आप अगर उनसे कम्युनिकेट करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन होती है, ये एक कनेक्शन होता है वो फिर इंटरप्शन होती है बीच में, तो आप उनसे ना करें कम्युनिकेट। अच्छा अच्छा सवाल मैं रिपीट कर दूं कि जो कॉन्स्ट का कीवर्ड है वो ग्लोबल भी डिक्लेयर हो जाता है, एक भाई ने पूछा यहाँ, कौन किसने पूछा दरअसल मुझे, आपने पूछा, गुड अच्छा सवाल है आपका, तो उसको डीएलोकेट कैसे करते हैं? अच्छा उसका जवाब ये है कि कॉन्स्ट का जो है ना वेरिएबल जो कॉन्स्ट करके बनता है वो डीएलोकेट होता ही नहीं है। अच्छा डीएलोकेट होता ही नहीं है, उसका रीजन क्या है कि वो एलोकेट भी नहीं होता। अच्छा एलोकेट क्यों नहीं होता? अच्छा चूंकि मैंने 4-5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम भी किया है और वो पढ़ा भी है, तो एक थोड़ा सा मेरा ग्लोबल एक्सपोजर है
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, तो अच्छा इन्होंने कहीं पर ये मेंशन नहीं किया रस्ट में, ना मैंने रस्ट की बुक में कहीं पढ़ा है ये बात, लेकिन चूंकि मेरा 4-5 लैंग्वेजेस का एक्सपोजर है तो उसके तनाजुर में मैं ये बात बता रहा हूँ आपको। जैसे सी लैंग्वेज में क्या होता है, उसमें भी ना कॉन्स्ट करके कीवर्ड होता है ऊपर, कॉन्स्ट नहीं होता उसमें डिफाइन होता है ऊपर ना टॉप पे, आप हैश और डिफाइन करके आप एक नाम लिखते हैं, आपने लिखा पाई अंडरस्कोर वैल्यू और उसके अगेंस्ट एक आपने वैल्यू बता दी। अच्छा फिर वो क्या करता है कि आपने पूरे प्रोग्राम में वो आपने पाई की वैल्यू को यूज किया और यूज करके प्रोग्राम आपने लिख दिया 2-3 हज़ार लाइन का या जितने का भी। जब आप करते हैं ना कंपाइल उसको, तो वो कंपाइल टाइम पे जहां जहां भी आपने वो डिफाइन को यूज किया ना उसको रिप्लेस करके वहां पे लिटरल वैल्यू लाके रख देता है, समझ रहे हो। जब हम कंपाइल करते हैं सी के प्रोग्राम को, तो वो डिफाइन जहां जहां वो डिफाइन वाला यूज हुआ होता है ना पाई वैल्यू, उसको सबको वो रिमूव करता है और उसकी जगह पे जो एक्चुअल लिटरल वैल्यू है वो लाके रख देता है। अच्छा उससे होता क्या है कि मेमोरी में जगह बचती है, उसको मेमोरी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा अब आप ऐसे अज्यूम करें कि कांस्टेंट आपने अगर कहीं डिफाइन किया ना और आप उसको कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप लिटरल इस्तेमाल कर रहे हैं डायरेक्ट, तो इस वजह से ना वो मेमोरी एलोकेट होती है उसके लिए और ना डी एलोकेशन होती है। अच्छा मगर अब इसमें एक सवाल आ सकता है, इसमें एक सवाल ये आता है कि जो लिटरल वैल्यू होती है वो भी मेमोरी में जगह लेती है, लिटरल वैल्यू जो होती है ना वो भी मेमोरी में जगह लेती है। मिसाल के तौर पर आपने अगर लिखा कंसोल डॉट लॉग और उसको आपने वो दे दिया लिटरल स्ट्रिंग इनपुट दे दिया, तो वो भी मेमोरी में जगह लेती है लिटरल वैल्यू। ऐसा नहीं है कि अगर आपने वेरिएबल बनाया है जब भी वो मेमोरी में जगह लेगा लिटरल जगह नहीं लेगा। अच्छा उसका मैं रीजन समझाता हूं आपको क्यों। आपने प्रिंट एलन में स्ट्रिंग पास किया, प्रिंट एलन में आपने स्ट्रिंग पास किया, आपके लिए तो वो लिटरल वैल्यू है लेकिन वो जो फंक्शन में पास हो रहा है तो वो फंक्शन के अंदर जाके लोकल वेरिएबल बन जाएगा, ऐसे ही है ना, फंक्शन के अंदर वो लोकल वेरिएबल, तो मेमोरी में जगह वो लेता है। लेकिन अब ये कौन से हट के है वो मसला, जो कांस्टेंट वाला मसला है ना वो समझा दिया मैंने, वो मैंने पीछे क्लियर कर दिया। अब लिटरल वैल्यू मेमोरी में कैसे जगह लेती है ये एक अलग टॉपिक है। तो लिटरल वैल्यू मेमोरी में जिस तरह जगह लेती है ना कांस्टेंट उस तरह लेगा जगह। अच्छा तो ये आप ना और भी इसके बारे में सर्च कीजिएगा कि लिटरल वैल्यू कैसे काम करती है, क्या चक्कर है लिटरल वैल्यू का। अच्छा और आपने एक और सवाल पूछा है कि म्यूटेबल रेफरेंस एक्सप्लेन कर दें। अच्छा म्यूटेबल रेफरेंस एक्सप्लेन कर दें, अच्छा यार मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैंने इंट्रोडक्शन उमर भाई का नहीं करवाया, सॉरी यार उमर भाई, उमर भाई अपना जरा सा इंट्रोडक्शन आप खुद ही करवा दें या मैं कर दूँ? यार आप ही करवाएं पहले। अच्छा ये आएगा नहीं, थोड़ा सा आपको चेयर शायद आगे करनी पड़े, इसमें देखना तार है आगे, आ सकता है आगे ये, चलो ठीक है ठीक है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उमर हूँ और मैं लास्ट ईयर अगस्त से एग्जियम में टीचिंग तो नहीं, पहले पढ़ रहा था IOD और उसके बाद प्रैक्टिस में हूँ, फिल वक्त मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ और मुकम्मल तौर पे जो है ना वो चैटबॉट्स के साथ प्रैक्टिस कर, चैटबॉट की कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बाकी सारा रस्ट को देख रहा हूँ। अच्छा यार ये वाले सवाल का जवाब उमर भाई अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं या मैं दे दूँ, म्यूटेबल रेफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए कहा इन्होंने। अच्छा मैं देता हूँ, देखो यार जो रेफरेंस है ना, पहले तो जरा सा समझो कि रेफरेंस है क्या। अच्छा इसके लिए जो है ना मैं वो कर लेता हूँ, पहले तो सीन चेंज करना है, शॉर्टकट सेट नहीं है तो माउस से करना पड़ेगा। अच्छा और अच्छा डिस्प्ले कैप्चर में मेरा कैप्चर आ नहीं रहा, वैसे डिस्प्ले कैप्चर में इसी मॉनिटर का आ रहा है। हाँ नहीं CN2, अच्छा टीम व्यूअर को ऐसे खोलना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा हाँ अच्छा, तो पहले ना रेफरेंस को समझने के लिए पहले हम ड्राइंग के थ्रू इसको समझते हैं कि ये रेफरेंस है क्या एक्चुअली। देखो अच्छा रेफरेंस को भी समझने से पहले एक चीज समझो कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने अच्छा कितने लोग यहाँ पे 3-6 वाले सेक्शन के बैठे हैं, 3-6 का सिर्फ एक सब बंदा है। अच्छा कितने लोग 9 बजे वाले सेक्शन के, सुबह वाले, एक रात वाला, अच्छा
सुबह वाले आप हैं। अच्छा, कितने लोग रात वाले सेक्शन के हैं? अच्छा, और बाकी लोग जो है वो 12 बजे वाले हैं, 12 से 3 वाले, 1 वाले। अच्छा, तो मैं असल में इसलिए पूछ रहा था कि मैंने कहानी एक सुनाई थी 3 से 6 वाले में, तो वो मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, आप लोगों को पता है कि वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो वो मेमोरी में स्टोर होता कैसे है? मेमोरी में वो स्टोर होता कैसे है, पता है? नहीं पता? अच्छा, उससे भी पीछे जाना पड़ेगा, मगर क्योंकि कंप्यूटर तो समझता है बाइनरी नंबर। कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी नंबर समझता है। अच्छा, बाइनरी नंबर में किसको किसको यहाँ पे कमांड हासिल है कि मैं लिखूं बाइनरी नंबर और बता दो सामने से कि यार ये क्या लिखा हुआ है? कितने लोग? सिर्फ एक। अच्छा, वो भी बताते हैं। अच्छा, और उससे भी पीछे चलते हैं, ये रेफरेंस क्योंकि ऐसे समझ आएगा नहीं ये इतने आराम से, इसके लिए पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, फिर समझ आएगा ये। अच्छा, उससे भी पहले देखो, बिल्कुल शुरू में ना जो साइंसदान थे उनको ये बात पता थी कि जो मटेरियल होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। जो मटेरियल होते हैं, जो मैटर्स, जैसे कि जैसे ये मैटर है, ये कोई एक चीज़ है, तो ये दो तरह के होते हैं, उनको ये पता था। ये बिल्कुल कंप्यूटर ईजाद होने से पहले की बात है। अच्छा, उनको पता था कि एक होता है इंसुलेटर, एक होता है कंडक्टर। अच्छा, और अच्छा यार, ये क्लास में डिस्ट्रक्शन हो रही है थोड़ी सी इमरान भाई। अच्छा यार, आपका ना मुझे चेहरा नजर नहीं आ रहा, आप सामने आके बैठ जाएं। आप जी जी आप ही जिन्होंने सवाल पूछा था, हाँ आप सामने आके बैठ जाएं, क्योंकि बीच में कैमरे के पीछे चला जा रहा है आपका मुंह, क्योंकि मुझे जब तक ना सामने स्टूडेंट नजर ना आ रहे हो ना आंखों में आंखें डाल के, तब तक होता नहीं है, क्योंकि पता चलता है बंदे को कि यार बंदे के चेहरे से कि बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, तो फिर बंदा उसी पेस को चेंज करता है अपने उसी हिसाब से। अच्छा, तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि साइंसदान को पता था कि दो तरह के मटेरियल होते हैं। अच्छा, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। फिर साइंस ने तरक्की की और साइंसदानों ने एक नया तरह का मटेरियल दरियाफ्त किया, ईजाद तो नहीं किया, दरियाफ्त किया, मतलब ढूंढ लिया, तलाश कर लिया, एक ऐसा मटेरियल जिसको अपनी मर्जी से या तो हम कंडक्टर बना सकते हैं या तो इंसुलेटर बना सकते हैं, वक्ती तौर पर। वक्ती तौर पर वो है वो दोनों नहीं, ना वो कंडक्टर है ना वो इंसुलेटर है, लेकिन वक्ती तौर पर हम उसको अपनी मर्जी से थोड़ी देर के लिए या तो कंडक्टर बना सकते हैं या तो इंसुलेटर। अच्छा, तो अब एज्यूम करो, अच्छा कैसे? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। अच्छा, अब ये एज्यूम करो कि मेरे पास जो है ना ये एक अदद वो वाला मटेरियल है। अच्छा, इसका नाम क्या रखा? सेमीकंडक्टर, इसका नाम ये जरूरी है। अच्छा, अब ये सेमीकंडक्टर का ना एक ब्लॉक है, ब्लॉक समझ लो या डिब्बा समझ लो, एक जो भी समझ लो। हाँ सही, नजर आ रहा है ना? ठीक है, सबको नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये तो एक वक्त में या तो ये ऑन हो सकता है या तो ऑफ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ऑन का मतलब है कि कंडक्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है ये। जब ये ऑन होता है तो ऑन के ना डिफरेंट किस्म के नाम बताए इन्होंने। अच्छा, डिफरेंट किस्म के नाम कौन से बताए? पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑन या ऑफ, जीरो या वन, ठीक है, मतलब पॉजिटिव, ऑन और वन एक ही बात है, यानी 0-1 के अंदर जो 0 और 1 है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव भी कहते हैं उसको, तो ये अलग अलग नाम है। हाई और लो, ये भी इसका नाम है। अच्छा, और भी डिफरेंट नाम है अभी जो सब मेरे जहन में नहीं आ रहे। अच्छा, तो अब मैंने ये अज्यूम किया कि ये जो मेरा बिस्किट है इसको मैंने कंडक्टर बना दिया, सही है, तो इसका मतलब है ये 1 है, ठीक है। अच्छा, एक और ऐसा ही मेरे पास बिस्किट है, कौन सा बिस्किट है ये? सिलिकॉन का बिस्किट है, सेमीकंडक्टर जो है। अच्छा, इसको मैंने इंसुलेटर बना दिया तो ये 0 है। अच्छा, इसी तरह मेरे पास कई सारे ऐसे बिस्किट हैं, ठीक है जी, कई सारे ऐसे बिस्किट हैं। अच्छा, इसको मगर अभी हम छोड़ देते हैं, ये हमें पता चल गया कि ये साइंसदान एक चीज ईजाद कर चुके हैं। अच्छा, मगर अब इस चीज को ईजाद तो कर लिया है, इस मेरे पास मिसाल के तौर पे 8 ऐसे बिस्किट हैं या 10 हैं, 8 या 10 बिस्किट हैं मेरे पास इस तरह की, जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या तो ऑन या तो ऑफ रखवा सकता हूँ, जितनी देर तक चाहूँ उतनी देर तक रखवा सकता हूँ, जब तक इलेक्ट्रिसिटी मैं निकाल ना लूँ। अब इसमें मुझे वैल्यूज को स्टोर करवाना है, कुछ मैं चाह रहा हूँ इसमें डाटा स्टोर हो जाए किसी तरह, किसी भी तरह। अच्छा, तो अब मुझे ना एक ऐसे नंबरिंग सिस्टम की ज़रूरत है, एक ऐसे नंबरिंग सिस्टम की ज़रूरत है जिसमें सिर्फ 0 और 1 पे वो काम हो जाए सारे, सिर्फ 0 और 1 पे सारे काम हो जाए।
तो मुझे ऐसे एक नंबरिंग सिस्टम की जरूरत है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि किसी मैथमेटिशियन ने एक ऐसा नंबरिंग सिस्टम ईजाद कर लिया जो सिर्फ 0 और 1 पे सारे काम हो जाते हैं। अच्छा, वो कौन सा नंबरिंग सिस्टम है? वो है बाइनरी नंबर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक बाइनरी लिखता हूं, ठीक है जी, 0 1 0 0 1 0 1 और 1, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, कितने लोगों को आप में से पता है कि ये बाइनरी में क्या लिखा हुआ है? सिर्फ हाथ खड़ा करें, बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं कमेंट में वो लिख सकते हैं, कमेंट में वो फौरी तौर पे, अगर किसी को समझ आ रहा है ना तो वो कमेंट में लिखे फौरी तौर पे कि ये बाइनरी में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यहां पे सिर्फ एक बंदे को पता है, सिर्फ एक बंदे को। कौन था वो? अच्छा, किसी को भी नहीं। अच्छा, आपको पता है ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अभी बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बाकी जितने लोग बैठे हुए हैं ना, जो क्या कहते हैं, अच्छा आप दोनों भी हेल्प डेस्क में आई हुई है ना, आप दोनों हेल्प डेस्क में ना, तो यार इधर तवज्जो देना। नहीं, खैरियत ये क्या मतलब, कोई क्वेश्चंस वगैरह ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, इमरान भाई से आप अलग से समझ रहे हैं, ठीक है ठीक है, गुड गुड। हाँ, ये सही है, ये सही है कि थोड़ा सा हमने डिवाइड कर लिया कि कुछ लोगों को आप समझाएं, कुछ लोगों को यहाँ। अच्छा ठीक है, तो वो लोग इमरान भाई से कुछ समझ रहे हैं तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा, आप जितने बाकी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जितने लोग लाइव में मुझे देख रहे हैं, मैं ये गारंटी करता हूँ, अच्छा कुछ लोगों ने आंसर करना शुरू कर दिया लाइव में, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है ये। अच्छा, मगर जितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये मैं गारंटी करता हूं कि 5 मिनट के अंदर आप ये कैलकुलेट करके बताएंगे कि क्या लिखा हुआ है, और मैं एक और नंबर लिखूंगा वो भी आप कैलकुलेट करके बताएंगे। अच्छा, अब देखो उसके लिए क्या करना है। अच्छा, इसको अब स्क्रॉल कर देते हैं और एक नया बाइनरी नंबर लिखता हूं जिसपे हम समझे उसको कि ये चलता कैसे है काम। अच्छा अच्छा, हम उस बिस्किट पे आ जाते हैं वापस। अच्छा, अब ये बिस्किट्स हैं हमारे पास, मैं ऐसी 8 बिस्किट्स बना लेता हूं। अच्छा, ये मेरे पास 8 बिस्किट्स हैं जिसपे मैं ये डाटा स्टोर करूंगा, लेकिन पहले हम उस डाटा को बना लेते हैं, समझ लेते हैं। अच्छा, अब इसका जो चक्कर है ना, ये क्या है? अच्छा, एक नया बाइनरी नंबर लिखना पड़ेगा हमें अब। मुझे एक्चुअली मेरा पेन नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने इसलिए पेन चेंज किया, उसमें ढूंढ रहा था है कहाँ वो। अच्छा, अब मैंने कहा कि 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, एक और 1, फिर उसके बाद 2 दफा 0 और 1 1। अच्छा, 3 3 6 और 1 7 और एक और कर लेते हैं 8। अच्छा, सबसे पहले वाली की वैल्यू है 1, ठीक है भाई, सबसे पहला जो इस तरफ है ना उसकी वैल्यू है 1 डेसिमल में। सेकंड वाले की वैल्यू है 2, इसके बाद वाले की है 4 एंड सो ऑन, ये 2 के मल्टीपल्स चल रहे हैं सारे। अच्छा, 4 के बाद है 8, अच्छा 8 के बाद है 16, ठीक है, उसके बाद है 32 है, उसके बाद ये 64 है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू है 128। अच्छा, अब हमें करना क्या है? बहुत सिंपल काम है, बहुत सिंपल। हम ये करेंगे कि ये जो सबसे पहला वाला है ना, इसको हम चेक करेंगे ये ऑन है या ऑफ है। अभी इस वक्त क्या है? ये ऑन है, इस वक्त क्या है? ये ऑन है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर लेंगे अपने पास ऐसे हाथ से, कि यार एक हमारे पास आ चुका है वैल्यू। अच्छा, इसके बाद वाला, उसकी वैल्यू कितनी है? 2। ये इस वक्त ऑन है या ऑफ है? ये इस वक्त ऑन है, तो हम जो पहले वाला 1 था उसके अंदर ये 2 भी प्लस कर लेते हैं, तो अब हमारे पास कितना हो चुका है? हमारे पास 3 हो चुका है। अच्छा, उसके बाद वाला ऑफ है, अच्छा इसको फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऑफ है ये। अच्छा, इसके बाद वाला, ये भी ऑफ है, इसके बाद वाला 16 है और ये ऑन भी है। अच्छा, पहले वैल्यू हमारे पास 3 थी, इसमें 16 और ऐड कर लेते हैं, कितने हो गए ये? 19 हो गए ये, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखते हैं अगला 32, ये भी ऑन है। अच्छा, अब 19 में 32 अब ऐड कर लो, कितने बने? अच्छा, मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं 51, तो इसका मतलब है कि ठीक कह रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद है 64 ऑफ है, क्या इसको ऐड करने की जरूरत है? नहीं है। उसके बाद है 128 को ऐड कर लेते हैं,
51 प्लस 128 179 लिखा भाई, पहले ही रिप्लाई आ गया था। गुड यार, लाइव वाले तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। जिशान हैदर, गुड यार, जिशान हैदर ने जवाब दे दिया कि ये कितना आया था, भूल गया, 175 गालबन शायद। अच्छा, तो ये आपने देखा कि बाइनरी नंबर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अच्छा, तो ये बाइनरी नंबर में क्या लिखा हुआ है, 178 या जो भी लिखा हुआ है, जो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। क्या मैं इस बाइनरी नंबर को इन बिस्किट्स के अंदर स्टोर कर सकता हूं? क्या मैं कर सकता हूं स्टोर? बिल्कुल कर सकता हूं। अच्छा, सबसे पहला नंबर क्या था? सबसे पहला नंबर था यहां पे 1। अच्छा, मैंने क्या किया, 1 आके इसको मैंने ऑन कर दिया। अच्छा, उसके बाद वाला जो नंबर था वो 0 था, 0 कर दिया। फिर दो दफा 1 है, मैंने आके यहां लिखा 1 और यहां लिखा 1, ठीक है। ये उसके बाद दो दफा ऑफ है, फिर इन दोनों बिस्किट्स को मैंने ऑफ करवा दिया। फिर दो बिस्किट्स और हैं, इन दोनों को मैंने ऑन करवा दिया। तो मैंने क्या किया, जो 179 या 175 जो भी थी वैल्यू, उसको मैंने इन सेमीकंडक्टर्स में स्टोर करवा दिया। अच्छा, अब चूंकि मैंने गारंटी किया था कि 5 मिनट बाद आप लोग बताएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला, तो अब जरा सा बताएं आप लोग कि ये क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले वाले की वैल्यू क्या है, 1, उसके बाद वाले की 2 है, उसके बाद वाले की 4, फिर 8, फिर 16, 32 लिखने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद ये 64 है। अच्छा, बताओ अब क्या बनी इसकी वैल्यू। सेवेंटी फाइव, और सही कह रही हैं ये, 79। अच्छा, हम भी कैलकुलेट करते हैं, आप में से कोई 75 और 79, 79 या 75? 75, अच्छा मैं वही देखता हूँ। अच्छा, 64 प्लस 8 कितना हुआ, 72 और 3, 75 सही है। तो ये 75 लिखा हुआ है, तो जिन लोगों ने 75 कहा था वो भी ठीक कह रहे हैं, जिन्होंने 79 कहा था वो भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 70 तक तो पहुंचे ना, इसका मतलब है समझ आ गई है कहानी। तो असल जवाब लेकिन 75 है। तो अपने लिए क्लैपिंग कर दो भाई, आज बाइनरी नंबर सीख लिया तुम लोगों ने। अच्छा, जो लाइव में देख रहे हैं वो भी अपने अपने घर पे बैठ के अपने लिए क्लैपिंग करो भाई। अपने आप को मोटिवेट करना बहुत जरूरी चीज होती है। अगर आप अपनी खुद तारीफ नहीं कर सकते ना, तो आप दुनिया में किसी से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी कोई तारीफ करे। तो सबसे पहले जब भी कोई अच्छा काम करो, अपनी तारीफ करो, अपनी तारीफ करो, अपने लिए क्लैपिंग किया करो। भले कमरे में कोई नहीं हो, अकेले बैठे हुए हो, अपने लिए क्लैपिंग करो। क्योंकि अगर आप खुद अपने लिए क्लैपिंग नहीं कर सकते, तो आप किसी से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए कोई दूसरा क्लैपिंग करेगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखो। कभी भी डीमोटिवेशन होने लगे ना, तो अपनी अच्छी चीजों को देखो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं क्यों कह रहा हूं ये, क्योंकि ना दुनिया में हमेशा याद रखना कि आपकी जो बुरी चीजें हैं ना, वो आपको हर बंदा बताएगा। आपकी छोटी सी भी कोई बुरी आदत होगी ना, कोई जैसे छालिया खाता है कोई, वो फौरन पॉइंट करेगा, यार छालिया क्यों खाते हो तुम, या सबको बताएगा कि यार ये छालिया खाता है, आंटी आपका बेटा छालिया खाता है। मगर वो बहुत सारी अच्छी आदतें वो नहीं बताएगा कोई। आप लोगों में, लड़कियों में भी कोई अगर कोई ऐसी छोटी मोटी आदत होगी ना, किसी की बुरी आदत छोटी मोटी होती है सब में, मेरे में भी है, तो वो सब लोगों को बताएगा कि आंटी आपकी बेटी ये करती है, ऐसे करती है। अच्छी आदत नहीं बताएगा कोई, वो ये नहीं बताएगा कि भाई ये पूरा पूरा दिन पढ़ रही होती है बैठ के, ये इतनी दूर जाती है बस पे सफर करके पढ़ाई करने के लिए सिर्फ, बाकी लोग तो नहीं जा रहे, तो मतलब बताना चाहिए ना, वो भी नहीं बताएगा वो कोई। अच्छा, उसके अलावा भी मैं आपको जरा सा इससे देता हूं एग्जाम्पल। जैसे अरब के लोग, आपने बचपन से किताबों में पढ़ा होगा कि जो अरब के लोग हैं उनमें बहुत सारी बुराइयां। अच्छा यार, आप लोग ना कोशिश करें जरा सा इस तरफ आ जाएं, ताकि मुझे ना एक तरफ देखना ना पड़े। सॉरी, रिक्वेस्ट है मेरी ये, प्लीज। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं शायद इस तरफ वालों को इग्नोर कर रहा हूं कि कैमरे के चक्कर में, तो बैड फीलिंग आ रही है थोड़ी मुझे कि यार ये इधर वाले इग्नोर हो रहे हैं। यहाँ बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, बैग नीचे रख दो, ये बैग्स है ना, ये मेरे बैग हैं, किसका है? हाँ, बैग नीचे रख दें। मुझे थोड़ी बैड फीलिंग हो रही थी कि यार मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ उधर वालों को, तो सॉरी इसके लिए। हाँ, अच्छा, तो आपने बचपन से ना बुक्स में पढ़ा होगा कि यार जो अरब के लोग हैं वो बहुत बुरे हैं, ओ भाई एक दूसरे की टांगे काट देते हैं, वो किसी का घोड़ा आगे बढ़ गया तो वो घोड़े को मार देते हैं, पता नहीं क्या क्या, फिर एकदम जाहिल हैं, लड़ाइयां करते हैं 200-200 साल तक, पता नहीं कब तक। अच्छा, मगर आपको ना उनकी अच्छी आदत कोई नहीं बताएगा, उनकी कुछ अच्छी आदतें भी थी, वो मैं आपको बताता हूँ आज। अच्छा, चूंकि अच्छा
किसी ने सवाल किया कि यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां क्यों भेजा गया, अरब में क्यों भेजा गया, तो डिफरेंट किस्म के ना लोगों ने इसको डिफरेंट इसके जवाब लिखे हैं। तो उसमें से एक ये भी है कि उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज थी जो किसी में भी नहीं थी, उस वक्त की जो वेल डेवलप्ड कौम थी ना उनमें भी ये क्वालिटीज नहीं थी। तो इस वजह से ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि अल्लाह पाक के सबसे प्यारे नबी, और उनको वो ऐसी जगह पे क्यों भेजा, मतलब सवाल है ना कि ऐसे अगर इतने बुरे थे वो तो उनके पास क्यों भेजा भाई। तो उसका जवाब ये है कि वो बुरे तो थे, उनमें थी बहुत सारी बुराइयां, लेकिन कुछ ऐसी क्वालिटीज थी जो उस वक्त की कैसर किसरा रोम, रोमन एम्पायर उस वक्त बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था। अभी अमरीका भी कोई सुपर पावर नहीं है उसके आगे, जो उस वक्त का रोमन एम्पायर थी, और उन्होंने इतनी टेक्नोलॉजीज डेवलप की थी जो अभी मेडिकल साइंस है ना हमारा, जो इब्ने सीना से पहले, इब्ने सीना ने उसको रिवाइव किया दोबारा, इब्ने सीना से भी पहले रोमन एम्पायर ये सब कुछ कर चुका था, फिर वो तबाह हो गया उनका किसी वजह से। तो वो बहुत बड़ी एम्पायर थी, कहने का मकसद है। अभी रशिया वशिया अमेरिका कोई उसके आगे कुछ नहीं है, तो उनमें भी वो क्वालिटी नहीं थी। वेल डेवलप्ड अपने आप को वो समझते थे, इतना वेल डेवलप समझते थे कि जिसकी कोई हद नहीं, एकदम प्राउड थे अपने पे कि यार हम सबसे डेवलप्ड फॉर्म है, मगर उनमें भी वो क्वालिटी नहीं थी। क्या थी वो क्वालिटी? अरब के लोग ना रात को आग जलाते थे, अपने घर के बाहर आग जलाते थे रात के बाहर। अच्छा, और कुत्ते पालते थे। अच्छा, सहरा में ना कुत्ते का कोई होता नहीं है काम, ठंडे इलाकों में फिर भी कुत्ते से कुछ काम लिए जाते हैं तो वो बेनिफिशियल रहता है। सहरा में कुत्ते से कोई काम नहीं ले सकते आप, मतलब होता ही नहीं कोई ऐसा काम जो उससे लिया जाए। फिर सहरा तो वैसे ही गर्म होता है इतना, रात को आग जलाने का क्या मकसद है? अच्छा, रीजन ये था, उनमें ना रेस लगती थी आपस में कि अगर, चूंकि सहरा में ना आप अगर कभी इत्तफाक हुआ किसी मूवी वगैरह में सहरा देखने का या जाने का, तो आप देखेंगे बड़ी दूर दूर होते हैं लोगों के घर, मतलब दो चार घर एक तरफ होते हैं, फिर काफी दूर बाद जाके दो चार घर होते हैं। तो अगर कोई मुसाफिर गुजर रहा हो वहां से तो, और रात हो गई उसको, तो वो रात को बड़ा मसला हो सकता है। कोई सहरा में बहुत सारे जानवर भी होते हैं ऐसे जो खा जाते हैं बंदों बंदों को, तो उसको कोई ऐसी जगह चाहिए होती है रुकने के लिए। अगर तो कोई दरख्त वगैरह मिल गया, कोई ऐसी चीज मिल गई जिसके नीचे वो बैठ के कुछ कर ले, तब तो ठीक है, वरना बड़ा मसला होता है। तो उनमें रेस लगती थी कि अगर रात को कोई यहां से गुजर रहा हो तो उसको कौन मेहमान नवाजी करेगा उसकी, उसको कौन बुला के लाएगा। अच्छा, तो वो आग जलाते थे और कुत्ते पालते थे। कुत्ता क्योंकि भौंकता है, किसी को गैर को देखे ना तो भौंकता है वो, तो इनको पता चल जाता था कि यार भौंक रहा है कुत्ता, कोई है, ये निकल जाते थे फौरन, उसको ढूंढ के पकड़ के ले आते थे। अच्छा, ये निकलते थे और भी निकल जाते थे सारे। फिर सुबह के टाइम ना इनमें आपस में प्राउड होते थे एक दूसरे पर, ये कि रात को जो फला फला बंदा आया था फला जगह से निकल के फला मुल्क जा रहा था, रास्ते में वो रात हो गई थी, मैंने उसको रात को अपने घर में रखा, प्राउड होते थे एक दूसरे पर। तो इतने मेहमान नवाजी के शौकीन थे। अच्छा, और जुबान के बड़े पक्के थे कि अगर कुछ कह दिया तो उससे हटते नहीं थे। मिसाल के तौर पे कह दिया कि यार मैं वेट कर रहा हूँ आपका, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो वो वहीं बैठे रहते थे, हटते नहीं थे जुबान। अच्छा, और भी डिफरेंट किस्म की और भी क्वालिटी थी, सब मेरे जहन में एक साथ आ नहीं रही है। और बड़े जंगजू किस्म के भी थे, सख्त थे, क्योंकि सहरा का ना तपिश की वजह से सख्ती होती है सहरा के अंदर, तो वो बड़े सख्त लोग थे। हाँ, हसब नसब का बड़ा ख्याल रखते थे, अपने जो घोड़े होते थे ना उनके, वो घोड़ों का भी बाकायदा नाम रखते थे। आपने आज तक सुना है पहाड़ी का किसी ने नाम रखा हो? नहीं सुना ना? आप अपने घर का नाम रखा है आप लोगों ने आज तक? किसी ने, आप में से किसी एक के घर का नाम है? किसी के, मतलब किसी के पास मोटरसाइकिल है उसका नाम रखा है किसी ने? नहीं रखते। अरब के लोग हर चीज का नाम रखते हैं, जैसे पहाड़ ओहद पहाड़, हर चीज का नाम रखते हैं और हर चीज के हसब नसब का बड़ा ख्याल रखते थे। वो घोड़े, अरबी नस्ल के घोड़े इतने महंगे क्यों होते हैं? उसका रीजन ये होता है कि वो उसकी जो नस्ल है ना उसको वो बिल्कुल संभाल के रखते हैं। इंसानों की नस्ल भी हम ऐसे नहीं संभालते जैसे वो करते हैं, तो उनको पता होता है कि ये फलां घोड़ा है, इस घोड़े का नाम हारून है या जो भी है, तो इसके ये किसका बेटा है, किस इसका दादा कौन है, फिर इसका परदादा कौन है, घोड़ों की भी नस्लें याद रखते थे। तो हसब नसब के बहुत पाबंद थे ये। तो ये कुछ ऐसी क्वालिटीज थी जो दुनिया की किसी कौम में नहीं थी। तो इस वजह से जो है कुछ लोगों का ख्याल है, ये कुछ लोगों का ख्याल है कि इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वहां पे भेजा गया। तो आपने देखा कि यार ये इतनी बड़ी बड़ी क्वालिटीज हैं, थी अरब के अंदर, मगर कोई जिक्र करता है आपसे? कोई नहीं करता। अच्छा, किताबों में मौजूद है ये, आप पढ़ेंगे जब इनकी तारीख वगैरह नबूवत से पहले की, तो आपको ये सब चीजें किसी न किसी जगह पे ये मिलेंगी आपको, मगर कोई जिक्र करता है आपसे आज तक? कोई भी नहीं करता। उसका रीजन यही है कि लोगों को सिर्फ एक दूसरे की बुराइयां नजर आती हैं, अच्छाइयां देख भी लेना अगर, तो वो कहते नहीं है किसी से। तो आपको अपनी अच्छाइयां खुद तलाश करनी है और वो अच्छाइयां देख के अपने आप को खुद मोटिवेट करना है, और अपने आप को मोटिवेट करना है कि और इन अच्छाइयों को बढ़ाए। अच्छा, फिर अगर किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा है ना, कभी मैं कि बड़े उसकी बात बता रहा हूँ अपने जिंदगी का एक्सपीरियंस, कभी बहुत गुस्सा है ना किसी पे, उसकी जितनी अच्छी आदत है ना सब कॉपी कर लो,
इससे अच्छा हो नहीं सकता उसके साथ कुछ। अगर किसी पे बहुत गुस्सा है ना कभी, उसकी जितनी अच्छी आदतें हैं वो सब कॉपी कर लो, खत्म, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं फिर तो। खैर अच्छा, तो हम कहां तक पहुंचे थे, हमने बाइनरी नंबर, हमने ये देख लिया था कि साइंसदानों ने एक नया तरह का मटेरियल ईजाद किया जो कि सेमीकंडक्टर है, उसको ऑन या ऑफ किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर, और फिर एक ऐसा नंबरिंग सिस्टम ईजाद किया गया जिसको हम उसमें स्टोर करवा सकते हैं, ये कर लिया हमने। अच्छा, हमने एक स्टोर करवा दिया, बाइनरी नंबर मेमोरी में स्टोर करवा दिया। अच्छा, अब ये जो बिस्किट्स है ना, ये वाली, इसको क्या कहते हैं, कौन बताएगा? जी, बिट्स तो कहते हैं, लेकिन ये फिजिकली क्या कहते हैं इसको? लॉजिकली तो ये बिट तो है ही, लेकिन फिजिकली, अच्छा अभी कंप्यूटर बना नहीं है, अभी कंप्यूटर बनने से पहले का टाइम है, अभी ये सेमीकंडक्टर ईजाद हुआ है और इसको ऑन या ऑफ करने के काबिल हुए हम। मेमोरी का मैंने बीच में गलत वर्ड इस्तेमाल कर दिया। जी, क्यू नहीं, क्लू नहीं, नहीं नहीं, मैं असल में मेरा सवाल डिफरेंट है। एलईडी नहीं, करीब पहुंच गए हो तुम। एलईडी किस चीज से बनी हुई होती है? इसको जो है ना हम ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिस्टर अगर थोड़ा सा, बहुत सारे लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड है, ट्रांजिस्टर में देखो क्या होता है, गेट होता है, एक गेट होता है ना उसके अंदर। अच्छा, जिनको नहीं भी पता ना, मैं बताता हूँ, ट्रांजिस्टर में तीन टांगे होती हैं, उसको एक जो है ना उसका बेस होता है और दो साइड एमिटर्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर इसमें दो में करंट दें तो एक गेट ओपन होता है, और इसमें दो में करंट दें तो दूसरा गेट ओपन हो जाता है, इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। मतलब हाई लेवल की एग्जांपल है ये, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये वही है, ये सेमीकंडक्टर है। अच्छा, तो सेमीकंडक्टर को हमने क्या देखा, ट्रांजिस्टर को हमने क्या देखा कि वक्त पड़ने पे हम उसको या तो ऑन करवा सकते हैं या तो ऑफ करवा सकते हैं, और होल्ड कर सकते हैं उस वैल्यू को जितनी देर तक हम चाहें। अच्छा, तो ये हमने देख लिया, और हमने इस, हमने क्या वैल्यू होल्ड की, सबसे पहले वाले को हमने कंडक्टर बनाया, फिर दूसरे को इंसुलेटर बनाया यानी कि ऑफ, फिर तीसरे को ऑन किया, फिर ऑन किया, फिर ऑफ किया, फिर ऑफ किया, फिर ऑन किया, और फिर ऑन किया। ये एक वैल्यू हमने सेव करवा दी। अच्छा, ये वैल्यू हमने क्या सेव करवाई थी इसमें, 179 जो हमने कैलकुलेट किया। अच्छा, कुछ लोग थोड़ा देर से आए, हम इससे पहले कैलकुलेशन कर रहे थे, तो उसके जरिए हमें पता चला था कि ये बाइनरी में 175 या 179 कुछ लिखा हुआ है, भूल गया हूं मैं अभी कि क्या लिखा हुआ था। अच्छा, तो अब ये सेमीकंडक्टर हम होल्ड करना सीख गए। आपके कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी मौजूद है, वो मेमोरी क्या है, वो इन्हीं सेमीकंडक्टर्स का मजमूआ है। मिसाल के तौर पे आपके कंप्यूटर में अगर 2GB रैम है, या आप मोबाइल फोन या कंप्यूटर जो भी, 2GB रैम है, तो 2GB रैम का क्या मतलब है कि उसमें 2 GB बिट्स मौजूद हैं। अच्छा, गीगा जो है वो 1000 को कहते हैं गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो गीगा 1000 को कहते हैं, या अच्छा जैसे GB और KB का भी समझते हैं क्या है। तो ये अच्छा, एक को हम क्या कहते हैं, सिर्फ अगर अकेला हो एक, इसको हम कहते हैं बिट, सही है, ये बिट है, अकेला बिट है। अच्छा, जब ये 8 एक साथ आ जाते हैं ना, जब 8 एक साथ आ जाते हैं, अच्छा ये कन्वेंशन इन्होंने बनाई है कि स्टैंडर्ड बनाया, यानी कि जैसे लीटर और मिलीलीटर नहीं होता कि यार इतने लीटर का जो है वो इतने मिलीलीटर होगा और इतने मिलीलीटर का, वो चक्कर है ये, यानी कि यूनिट्स हैं ये, यूनिट्स। तो जब 8 बिट हो जाएंगी तो इसको हम फिर क्या कहने लग जाते हैं, इसको हम कहते हैं फिर बाइट, ठीक है, बाइट। अच्छा, अब अगर बाइट बहुत ज्यादा हो गई तो फिर उसको क्या कहेंगे, फिर हम उसको ना किलोबाइट पे आते हैं फिर, यानी 1000 जब हो जाती है बाइट, तो हम उसको 1000 बाइट लिखने के बजाय हम कहते हैं कि 1 KB है ये, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाता है, मतलब KB, किलोबाइट। जी, एक्चुअली 1024। अब असल में ये भी अच्छा सवाल तुमने छेड़ दिया, अब एक ना नया स्टैंडर्ड आया MIB या KIB। चक्कर क्या होता था कि वो किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब होता है 1000। अच्छा, 1000 तो वो था नहीं। अच्छा, लोग ना कंफ्यूज, बच्चे कंफ्यूज होते थे छोटे, क्योंकि स्कूल में पढ़ाते हैं ना छोटे स्कूल में, तो वो बच्चे चालाक होते थे, वो कहते थे यार ये किलो का मतलब तो 1000 होता है, तो ये 1024 क्यों है, सवाल होता है, आपका भी यही सवाल है। तो ना उन्होंने सोचा कि यार वाकई बात तो सही है। अच्छा, 1024 क्यों किया, उसकी एक टेक्निकल रीजन अलग है कि वो 1024 क्यों था, उसकी एक टेक्निकल रीजन एक डिफरेंट है, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया, उन्होंने कहा यार अब KIB होगा, ये KIB वो 1000 का होता है, ठीक है, तो 1000 अभी हाई लेवल के लिए, ठीक है, तो 1000 का है वो, तो 1000 जब
बिट्स हो गई, बाइट्स हो गई आपकी, तो उसको हमने केबी कह दिया। फिर 1000 किलोबाइट्स का 1 MB कर दिया, फिर 1000 GB कर दिया। तो एक्चुअली बहुत सारे ये जो सेमीकंडक्टर के बिस्किट्स हैं ना, वो एक जगह करके उसको माइक्रो करके आपके कंप्यूटर में डाल दिया गया है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी वैल्यूज को, जो कि हमने ऐसे यहाँ पे स्टोर किया है, बहुत सारी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं इसके अंदर, बहुत सारी वैल्यू को इसमें स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, ये जो जो बाइट्स आपके कंप्यूटर में मौजूद होती है, ये कहाँ मौजूद होती है? रैम में। रैम में जो चिप लगी हुई है ना, रैम देखा है आप लोगों ने कैसी होती है? सबने देखा है? किसी कोई ऐसा रैम नहीं देखा हो? देखते हैं यहाँ पे फिर हम। रैम आपके कंप्यूटर में होती है 2 GB, 8 GB, 16 GB, एंड सो ऑन, कितने की भी हो सकती है वो। तो अच्छा, रैम है आपके पास? गुड, दिखाएं जरा। हाँ, वो भी आते हैं उसके ऊपर हम। अच्छा, ये देख लें इस पे, यहाँ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अच्छा, खैर दिख रहा होगा वहां पे, ये रैम होती है। अच्छा, आप लोग सब भी देख लें, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर में इस तरह की रैम होती है। अच्छा, लैपटॉप में थोड़ी छोटी होती है, इससे आधी होती है रैम। तो बहुत शुक्रिया यार दिखाने के लिए। ये जो देख रहे हैं आप चिप्स लगी हुई हैं, ये चिप्स के अंदर ना माइक्रो, बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स माइक्रो इसके अंदर लगे हुए हैं, दोनों साइड पे लगे हुए हैं, देखें। तो इसमें ही आपकी वैल्यू जाके, ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स का मजमू है, ये माइक्रो किया हुआ है इसलिए आपको लग नहीं रहा कि इतने ज्यादा होंगे, बहुत सारे ट्रांजिस्टर हैं इसके अंदर। अच्छा, कुल मिला के तो बात ही हो गई। अच्छा, अब आप ये सीख गए कि किसी नंबर को हम रैम में सेव कैसे करवाते हैं, ये तरीका है रैम में सेव करवाने का। अच्छा, हम शुरू कहां से हुए थे, कहां गया वो पेज? हम रेफरेंस को असल में समझना चाह रहे थे। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि मेमोरी में जगह तो हमें चाहिए स्टोर करवाने के लिए। मेमोरी जो है हमारे पास, जो रैम मेमोरी है, वो तो लगी हुई है। अगर मैं आपको यहां पे बना के बताऊं उसका कि वो किस तरह होता है, उसका लेयर, ये आपका अगर कंप्यूटर कंसिडर कर रहा हूं इसको मैं, कि कंप्यूटर है ये, सबसे नीचे जो है ना, ये प्रोसेसर और रैम मौजूद है, यानी कि हार्डवेयर मौजूद है, ये प्रोसेसर और रैम वगैरह, ये जो भी मदरबोर्ड वगैरह चीजें मौजूद हैं। अच्छा, इसके ऊपर इंस्टॉल हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, यानी कि विंडोज या लिनक्स या कोई भी चीज, ठीक है, OS इंस्टॉल है ये। अच्छा, उसके ऊपर फिर आपकी चल रही है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन चल रही है इसके ऊपर आपकी, ठीक है जी। अच्छा, ये एप्लीकेशन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनी हुई है? ये सी में भी हो सकती है, रस्ट में भी हो सकती है, सी शार्प में भी हो सकती है, जावास्क्रिप्ट, स्विफ्ट, जावा, किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है ये। हमारे केस में ये रस्ट में है, ठीक है, हमारे केस में ये क्या है, रस्ट में है ये। अच्छा, अब जरा सा हम अगर आते हैं इसके ऊपर। अच्छा, रस्ट की जो एक्चुअली जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, वो एक एप्लीकेशन है ना, वो एक सॉफ्टवेयर है या एक एप्लीकेशन है। हम अभी बना रहे हैं, बनाने के बाद वो चल रहा होगा किसी मशीन में। अच्छा, जब हम बनाते हुए भी हम अगर उसको रन करते हैं एक्चुअली, तो वो एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में चलना शुरू हो जाता है मेरी मशीन में। तो वो एक्चुअली कहाँ चल रहा होता है? वो इस लेयर में चल रहा होता है, वो इस लेयर में चल रहा होता है, यहाँ पे, इस जगह पे। अच्छा, बाकी ऊपर वाले का काम नहीं है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, तो अब हमारी जो रस्ट की जो जो प्रोग्राम है हमारा, उसको जरूरत इस बात की है कि वो क्या करे, मेमोरी में उसको किसी तरह जगह चाहिए, एक्सेस उसके पास मेमोरी का है नहीं, बीच में कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करेगा, आपका जो रस्ट का प्रोग्राम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे आप रैम के अंदर इतनी जगह प्रोवाइड कर दें, रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज आप मुझे इतनी जगह प्रोवाइड कर दें। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि मुझे कितनी जगह दे दें, हमने कितनी जगह क्या चाहिए थी, यानी कि इस वैल्यू को हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं, अगर जो सबसे टॉप पे यहाँ लिखी हुई है इस वैल्यू को, तो हमें कितनी जगह चाहिए, कौन बताएगा? यूनिट, यूनिट क्या है इसको नापने की, ये नीचे लिखा हुआ है, बिट है, बिट भी है, बाइट भी है। तो मैं उससे क्या कहूंगा, मुझे 8 बिट आप दे दें, यानी कि 8 बिट्स, या उसको 1 बाइट भी कह सकते हैं शॉर्ट में। तो वो रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज आप मुझे मेमोरी में जगह दें, और क्वांटिटी कितनी चाहिए, 1 बाइट, ये क्वांटिटी चाहिए। अच्छा, वो रिक्वेस्ट आई ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, वो रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आई यहां पे, इस जगह पे,
और ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक अलग से खाता होता है, एक अलग से खाता बना हुआ होता है जिसमें वो इस चीज़ का हिसाब रखता है कि मैंने कौन से प्रोग्राम को कितनी मेमोरी कहाँ पे एलोकेट किए, क्या किया है। क्योंकि रैम की बहुत बड़ी जगह है, जैसे रैम ऐसे खाली गोदाम की तरह है, काफ़ी बड़ा सा फ्लोर है, तो उसको एक पोर्शन इतना नाप लिया उसने कि यार इतना जो है ना ये इतने बाइट है मैंने फला प्रोग्राम को दिया। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर तो नहीं चल रहा, बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। जैसे मेरी मशीन में राइट नाउ कितने सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, एक गूगल क्रोम यहाँ खुला हुआ है, उसके अलावा ये फाइल एक्सप्लोरर है, एक एमएस वर्ड की फाइल खुली हुई है, टास्क मैनेजर खुला हुआ है, टीम व्यूअर है, वीएस कोड है, टर्मिनल है, पेंट है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो ये सब प्रोग्राम कहाँ चल रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, यानी कि इस लेयर में चल रहे हैं ये प्रोग्राम, इस लेयर में ये प्रोग्राम चल रहे हैं। अच्छा, इन सबको रैम की जरूरत है, इन सबको रैम में जगह चाहिए, क्योंकि इन सब ने वेरिएबल बनाए हुए होंगे अपने, कुछ ना कुछ वैल्यू होल्ड की भी होगी अपने पास, वो सब रैम में होती है, तो इन सबको जगह चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना बहुत मोहतात होकर जगह देता है सबको, क्योंकि उसको सबको इक्वली ट्रीट करना है, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक को जगह दे दे और दूसरे को मना कर दे, ऐसा नहीं कर सकता। तो वो उसने एक खाता बनाया हुआ है अलग से, जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट का पोर्शन जो है ना वो इस चीज के लिए डेडिकेटेड है। वो एक खाता है, उसमें वो लिखता रहता है कि यार मैंने फलां को इतने बाइट दिए, और फिर वो वापस जब लेता है तो उससे वो मिटा भी देता है कि यार अब वो वापस करके जा चुका है। इसी तरह आपके प्रोग्राम को उसने देखा कि यार कितने वन बाइट मांगा था, वन बाइट, और रस्ट के प्रोग्राम को, आपका क्या नाम है, आपका जैनब, जैनब के प्रोग्राम को उसने लिखा कि मैंने वन बाइट दे दिया, और फिर नीचे गया रैम में इस जगह पे, और रैम में जाके उसने तलाश किया कि यार कौन सी जगह है जो किसी के इस्तेमाल में इस वक्त नहीं है। वहां पे वन बाइट में ऐसे एक लकीर खींची, मैं हाई लेवल की बात कर रहा हूं, तो मतलब कोई टेक्निकली मुझे कोर्ट ना करे इस पे। नीचे गया, तलाश किया, और वन बाइट की जगह पे एक लकीर खींची और कह दिया कि ये जैनब के प्रोग्राम को दे दिया मैंने। अच्छा, अब उसमें कोई दूसरा प्रोग्राम कुछ नहीं करेगा आके, किसी दूसरे प्रोग्राम को वो जगह नहीं देगा अब, क्योंकि उसने लिखा हुआ है खाते में कि यार ये जगह तो जैनब के प्रोग्राम के लिए डेडिकेटेड है। अच्छा, अब उसमें वैल्यूज को होल्ड कराया जाएगा आपके प्रोग्राम के। अच्छा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम रिटर्न में मेरे प्रोग्राम को क्या देगा, क्योंकि मेरे प्रोग्राम से एक रिक्वेस्ट आई थी ना, यहाँ एक रिक्वेस्ट आई थी यहाँ पे, उसका रिस्पॉन्स क्या जाएगा। मेमोरी में जगह तो लिख तो दिया उसने खाते में, रिस्पॉन्स में वो उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस भेजेगा मुझे। क्या भेजेगा? एड्रेस भेजेगा मुझे। अच्छा, एड्रेस क्या चीज होती है? एड्रेस ये होता है, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था कि इस रैम के अंदर शायद मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हों, है ना, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर हों मोस्ट प्रॉब्ली। अब जितने भी बनता है, मिसाल के तौर पर कितनी है ये, 4GB की रैम है, तो 4GB में जितने भी बिट्स या बाइट्स बनते हैं, जो कैलकुलेशन हमने अभी की है उसके हिसाब से, तो उतने ट्रांजिस्टर इसमें मौजूद हैं। अच्छा, अब हर ट्रांजिस्टर को पहचाने कैसे, वो इतने सारे हैं, वो तो मिक्स हो जाएगा सारा। उसका सॉल्यूशन ये किया गया कि हर एक बिट को एक एड्रेस दिया गया, हर एक बिट को एक एड्रेस दे दिया गया, न्यूमेरिकल या हेक्साडेसिमल या किसी भी किस्म का एक एड्रेस दे दिया, ताकि मैंने अगर किसी मेमोरी की किसी स्पेसिफिक जगह पे कोई चीज स्टोर करवानी है तो मैं उसको एड्रेस बताऊं कि यार फला जगह जाके ढूंढो, तो वो वहां से लेकर आ जाए, तो वो एड्रेस ये रिटर्न करेगा। सही है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रस्ट की एप्लीकेशन ने रिक्वेस्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम को कि भाई मुझे वन बाइट की जगह चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ने खाते में देखा कि कौन सी जगह खाली है, और वो आपके प्रोग्राम को एलोकेट कर दी कि अब यहां कोई नहीं आएगा, सिर्फ इसका आएगा प्रोग्राम। और मेरे ऐप को क्या रिटर्न किया? एड्रेस, एक अदद एड्रेस, कि यार फला एड्रेस जो है ना वन बाइट, वो अब आपका है, इसमें आप अपनी मर्जी की वैल्यू रखवा दें। अच्छा, अब जो एड्रेस मुझे मिला है ना, वो रस्ट इंटरनली उसको हैंडल कर रहा है कि उस एड्रेस में वो वैल्यू कैसे स्टोर होगी, कैसे नहीं होगी, फिर डिफरेंट किस्म की डाटा टाइप्स हैं, फिर अलग हैं, वो रस्ट इंटरनली हैंडल कर रहा है। अच्छा, अब जो रेफरेंसिंग है ना, ये इतना सबको समझ आया, इसमें किसी का कोई सवाल, कोई भी सवाल हो ना मुझे यहाँ पे कोट करो, क्योंकि अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो और इम्पॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ तक की चीज़ किसी को समझ नहीं आई है तो वो अगला जुमला मेरा फिर समझ में नहीं आएगा उसको। यहाँ पे किसी का सवाल, कोई कमेंट्स में, कमेंट्स में कोई सवाल? अच्छा, किसी ने यहाँ पे ओनरशिप की बात पूछी है, वो ओनरशिप अभी आएगा, इसी कहानी में वो आगे आ जाएगा। अच्छा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
अच्छा, अगर हमारा सिस्टम 64 बिट है तो? वन बाइट उतनी ही होगी जितनी होती है। नहीं, असल में इनका सवाल ये है, अगर मैं सही समझाऊँ तो इनका सवाल ये है कि जो मेरे पास जो ये बिट है, मैंने ये जिक्र किया था कि 8 बिट का, यानी कि 8 बिट का 1 बाइट होता है, तो क्या ये 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में और 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये अलग अलग है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक है, ये तो यूनिट्स है ना, ये तो यूनिट्स हैं। अच्छा, अब मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक बड़ी टैंकी है और अगर एक छोटी टैंकी है, तो लीटर के क्वांटिटी में फर्क नहीं आएगा, 1 लीटर उतना ही रहेगा जितना होता है। हाँ, ये है कि जो बड़ी टैंकी है उसमें ज्यादा लीटर आ जाएंगे, हो सकता है उसमें 200 लीटर आ जाए, जो छोटी टैंकी है उसके अंदर हो सकता है 50 लीटर आए। तो ये टैंकी छोटी बड़ी है, या यूं कह लें कि जो पाइप है जिससे पानी ट्रैवल कर रहा है, वो पाइप छोटा या बड़ा है? बस का जो साइज है वो छोटा या बड़ा है कि एक वक्त में वो 2 लीटर पानी को ट्रैवल करवाता है, कोई जो है वो एक वक्त में आधे लीटर को पानी को ट्रैवल करवाता है? तो ये फर्क है, लेकिन लीटर की जो यूनिट है ना, जो क्वांटिटी है, लीटर का क्वांटिटी क्या होता है, कुछ सेंटीमीटर क्यूब करके कुछ होता है मैथ में, तो वो चेंज नहीं होगा, वो अपनी जगह रहेगा। तो 1 बाइट या 1 बिट ये हार्ड ड्राइव से लेके मेमोरी से लेके सब जगह एक रहेगा, ये फर्क नहीं होगा। अच्छा, यही था सवाल आपका? अच्छा चलो। अच्छा, अब एक चीज जो है ना, मैं बीच में छोड़ दी थी, वो जरा कर लें क्लियर। कौन ये सोच के बताएगा कि ये जो 8 बिस्किट मेरे सामने आ रही है, सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें मैं कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर करवा सकता हूं? जी 255, जी 2 पावर 8, 2 पावर 8, हाँ 255 ही हुआ, 0 से 255। जी, और कितनी बड़ी वैल्यू इसमें स्टोर करवा सकता हूं मैं, सोचो सोचो। अच्छा नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव की तो हम बात ही नहीं कर रहे, अभी उस पर भी आते हैं बल्कि, अच्छा तुमने सवाल कर लिया। अच्छा, मैक्सिमम ये होगा कि मैं नीचे जरा स्केल जो बनाया था हमने, इस स्केल पे आ जाते हैं। देखो, मैक्सिमम क्या होगा, ये स्केल है ना हमारा, जो सबसे पहले हमने शुरू में डिस्कस किया था, सब वैल्यूज को मैं ऑन करवा दूंगा, जितने भी मेरे पास ये बिस्किट्स हैं सेमीकंडक्टर के, सबको मैं ऑन करवा दूं, यही होगा मैक्सिमम। इसके ऊपर तो वैल्यू उसमें हो नहीं सकती स्टोर। अच्छा, तो मैं ये करता हूं, सबको मैं ऑन कर देता हूं, इसको भी ऑन कर दिया, एक नया बाइनरी नंबर लिखा है मैंने, ये सही है, सब ऑन है इसके अंदर। अच्छा, सब ऑन होंगे ना, तो ये एक्चुअली 255 बनेगा, कैलकुलेट कर लेना, मैंने किया नहीं है कैलकुलेट, मतलब पहले से मुझे पता है ये कि ये 255 ही बनता है। अच्छा, अब अगर मुझे 255 से बड़ी वैल्यू स्टोर करवानी है तो मैं क्या करूं? एक और बाइट ले लूं, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा, इस बाइट को मैंने किया, थोड़ी सी मैं इस तरफ जगह बना रहा हूं, इसको मैंने कट किया और मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया इसको, ठीक है भाई, ये मैंने इधर कर दिया इसको। अच्छा, और एक और बाइट बना ली इधर, ठीक है भाई, जरा मैं मार्किंग कर दूं कि कौन सी बाइट कहां तक है, ये है 1 बाइट और ये है 1 बाइट, सही है, अब 2 बाइट हो चुकी है ये। अच्छा, अब 2 बाइट होने का क्या मतलब है कि, अच्छा इन सबको मैं उड़ाता हूं यहां से ताकि जगह बन जाए थोड़ी और। अच्छा, 2 बाइट होने का क्या मतलब है? हाँ, 8-8 का क्यों पेयर बनाया, 4-4 का क्यों नहीं बनाया? 4-4 का पेयर इसलिए नहीं बनाया कि इसका कोई टेक्निकल रीजन है पीछे, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये इसी तरह है, ये इसी तरह है, जो जिन इंजीनियर्स ने बनाया होगा उसने कुछ सोच समझ के किया होगा ये, या मोस्ट प्रोबेबली शायद हार्डवेयर की कोई निबल होता है, वैसे एक निबल भी होता है, अगर 4 का अगर हम करें ना उसको, तो 4 बिट को हम निबल कहते हैं, तो वो कहते तो हैं, लेकिन वो सवाल उसका अच्छा है, ये
अब इसकी हम डिटेल में काफ़ी एक घंटे इस पर बात हो सकती है कि ये 8 बिट क्यों है अब, मगर वो भी इसकी डिटेल में जाना मुनासिब नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि जब जिन इंजीनियर्स ने या जिन लोगों ने डिज़ाइन किया था इसको, उस वक्त कुछ चीज़ें होंगी ऐसी जिसकी वजह से इसको 8-8 का बनाया है, तो वही चीज़ कंटिन्यू है जी। हाँ नहीं, वो तो सबसे पहले बना था बाइनरी नंबर, तो वो तो उसके बाद फिर ये सब चीज़ें आना शुरू हो गई ना, कि ये बाइनरी के बाद फिर बेस 3, बेस 4, बेस 16, जो अभी बेस 16 चल रहा है सब जगह। हो सकता है कि आपका जवाब आप सही कह रही हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा, ये कुछ दूसरी वजह है इसकी। खैर, हम कभी मौका मिला तो ये भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि हाँ, अब ये जो बाइट नंबर 1 है हमारा, इसमें तो वैल्यू स्टोर हो गई 255 तक। अच्छा, इसका पहले वाले की वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर सो ऑन, और ये 128 तक है, ऐसा ही है। दूसरे बाइट की इस वाले की क्या वैल्यू होगी? सोचो, अच्छा इसको मैंने साइड पे कर दिया ताकि ऊपर जगह बन जाए, ठीक है। ये 1, 2, 4, 8, 16, 32, सही है भाई, 64, उसके बाद ये 128, और ये वाले का क्या वैल्यू होगी सोचो? 256, एग्जैक्टली, ठीक है भाई, 256। इस वाले की जोर से बोलो, 512। गुड यार, समझ रहे हो मतलब तुम लोग, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, इसकी 512 होगी। इस वाले की कितनी होगी? सही है, 10, इसकी 24 हो गई, ठीक है जी। अच्छा, एंड सो ऑन। अच्छा, सबसे आखिर वाले की क्या वैल्यू होगी? नहीं पता मुझे भी, ठीक है, देख लेना। अच्छा, 1024 के बाद 2048, 4096, और पता नहीं कितनी। अच्छा, अब इस पूरे में एक मैं ऐसी गैस पूछ रहा हूं तुम लोगों से, गैस करो कि 1 byte के अंदर तो 255 तक की वैल्यू स्टोर होती थी, 1 byte में 255 तक की वैल्यू स्टोर होती थी, अब ये हो गए 2 byte, और 2 byte में वैल्यू उसके आगे से चल रही है। अब अगर मैं ये 2 byte के सारे 1-1 को 1 कर दूं, तो क्या ख्याल है कि मेरे ख्याल है 255 की डबल वैल्यू तो हो जानी चाहिए इसमें, यानी कि 255 में जितने वैल्यूज आती हैं उसका डबल तो कम से कम स्टोर हो जाना चाहिए, क्या ख्याल है? बोलो कितनी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, वैसे ही गैस बताओ। 2 byte हो चुके हैं अब हमारे पास, 2 byte में कितना बड़ा नंबर स्टोर करवा सकता हूँ मैं? अच्छा, जिनको पता है वो ना बोले, मैं ऐसे ही थोड़ा सा ताकि इंट्रैक्शन लगी रहे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वैसे कोई बहुत बड़ा वो हूँ नहीं मैं भी तुम्ही लोगों की तरह हूँ। अच्छा, इसमें जो है ना, हम 65,000 तक की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, 65,000 ना बहुत बड़ा नंबर है निस्बतन, वो 1 byte में तो 200 तक था, वो 255, एकदम वो 65,000 चला गया। उसका रीज़न ये है, वो 2 की पावर में पावर होती बहुत है, 2 की पावर ना मल्टीप्लाई जो हो रहा होता है 2 से 2 से 2 से, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो अब ज़रा सा, 1024 था ना, उसके बाद क्या था? 2048। अच्छा, फिर उसके बाद वाली क्या होगी? 4096, ऐसे ही होगा। तो मैं इसको नीचे करके लिखता हूँ, 4096। अच्छा, 4096 के बाद क्या होगा? 8192, ये होगा, 8192 हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा बताओ? 6384 होगा, नहीं, 6 कैसे हो सकता है, 81 तो हो चुका है, 16384। मेरी मैथ इतनी अच्छी है नहीं, तुम लोगों के उस पर चल रहा हूं मैं, गलत नहीं लिखवाना। अच्छा, अब क्या होगा और बताओ? 32768, ठीक है। अच्छा, अब हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये जो सारे हमने 2 byte है हमारे पास, सबको 1 कर दिया है, तो ये वैल्यू एक्चुअली बनी कितनी है?
बनी कितनी है ये, टोटल बना कितना है? वैसे तो मैंने तुक्का मार दिया कि 65,535, मगर देखते हैं कि वो ट्रू है भी या नहीं है। कैलकुलेटर, ठीक है जी, अब हम इसको एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, हमने कहा कि यार 32768 सबसे लास्ट वाली से कर रहा हूँ मैं, प्लस 16384 प्लस 8192 प्लस 4096 प्लस 2048 प्लस 1024 प्लस 512 प्लस 256, ठीक है। और इतने का तो हम पहले कर चुके हैं कि 255 होता है, तो इसमें 255 लगा देते हैं। कितना बना? 65,535। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो बाइट है तो उसमें हम 65,535 के जितनी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, अब जरा सा कौन ये गैस करके बताएगा कि अगर ये दो से चार बाइट हो जाए, कंटिन्यूसली दो से चार बाइट हो जाए, तो कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर हो सकती है इसमें? सोचो 131 तो बहुत छोटा नंबर, 131 करोड़, 1,31,000, सही कह रहे हैं ये? बताओ, अच्छा अब इसका जवाब जो है ना वो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है पहले से, और वैसे भी बहुत जगहों पे लिखा हुआ होता है। वो क्या होता है जो सबसे पहले आपने बताई थी, वो पावर क्या थी? वो पावर 2 पावर 8, तो वो एक बाइट में 2 पावर 8 थी। अभी कितनी हो गई है? 2 पावर 16, 2 पावर 16 ना एक्चुअली यही आएगा आंसर, 65,535। तो 2 पावर 32 जरा करके देखें क्या आता है, उतनी बड़ी वैल्यू आ सकती है कितने में? 4 बाइट में। फोर टू नाइन फोर नाइन सिक्स सेवन टू नाइन फाइव, इतनी बड़ी वैल्यू आ जाती है कितने में? 4 बाइट में। दो थे ना, 2 को 4 किया हमने, 4 में इतनी बड़ी वैल्यू आ जाती है। अच्छा, ये बताने का मकसद मेरा ये है, ये आपको हिसाब रखने की जरूरत नहीं है ये कितनी बड़ी वैल्यू आती है कितनी नहीं आती, मतलब अच्छा जरूरत पड़ भी सकती है। वैसे आप मिसाल के तौर पर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें आपको एज इनपुट लेनी है बंदे की, तो आप कितने बाइट का वेरिएबल लेंगे? एज इनपुट लेनी है आपको, उम्र, बंदे की उम्र पूछ रहे हैं आप, इनपुट ले रहे हैं, कितने बाइट का वेरिएबल इनफ होगा? 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट में 255 तक आता है। अच्छा, वैसे तो 1 बाइट की भी जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग में चूंकि वो बाइट के हिसाब से देते हैं तो 1 बाइट से कम है नहीं, तो 1 बाइट हमें लेना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई अमाउंट की ट्रांजेक्शन हो रही है, अगर कोई अमाउंट की ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उस ट्रांजेक्शन को भी किसी वैल्यू को स्टोर तो कराना पड़ेगा। वो कितनी बड़ी उसके अंदर आप ये क्या कहते हैं वेरिएबल लेंगे? सोचो 16 बिट, 16 बाइट, हाँ। अच्छा, ट्रांजेक्शन की वैल्यू वैसे कितनी बड़ी हो सकती है? कितनी, फिर भी कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट तो नहीं होगी, मतलब कुछ लिमिट तो उसकी भी होगी ना। वैसे मतलब एक ऐसी गैस पूछ रहा हूँ, कोई मुझे पता है कोई फाइनेंशियलिस्ट नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, लेकिन वैसे एक गैस पूछ रहा हूँ कि अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कोई हो रही है, एक बैंक से दूसरे बैंक में एक रकम जा रही है, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है वो? अच्छा, उसके लिए लिब्रा में यार कितना बड़ा था इमरान भाई? यू साइज नहीं डाला हुआ उसमें, कुछ था 64 बिट था या पता नहीं कितना था। अभी हम लिब्रा भी चूंकि थोड़ा सा पढ़ रहे थे हम, तो उसमें जो ट्रांजेक्शन का जो वेरिएबल बनाया उसने, उसका उन्होंने साइज लिखा हुआ था, मैं भूल गया हूँ, शायद वो 64 बाइट था शायद। अच्छा, वो शायद 64 बाइट था। तो इसी तरीके से आप ना जब सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो आप अंदाजा लगाते हैं के सॉरी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए उन्होंने वो रखा था, ट्रांजेक्शन के लिए नहीं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए।
तो वो कोई उन्होंने वैल्यू रखी थी 64 बाइट की. वो एक्चुअली क्या था, वो हर ट्रांजेक्शन को ना काउंट कर रहे हैं वो उस लिब्रा के अंदर. मतलब वो ऑफ द टॉपिक है लेकिन वैसे ही मैं बात निकल आई है. तो वो हर ट्रांजेक्शन को ना काउंट करते हैं. पहली ट्रांजेक्शन हुई उसको वो कहते हैं वन ट्रांजेक्शन हो गई. तो वो ट्रांजेक्शन का ना सीरियल नंबर एक्चुअली, उसको कैरी करने के लिए उन्होंने एक वेरिएबल बनाया था, उसका उन्होंने किसी जगह साइज जिक्र किया था. तो वो मैं आपको बता रहा हूँ. अब दो ट्रांजेक्शन हो गई, चार हो गई, पांच हो गई, 2000 हो गई, 5000 हो गई, 1,000,000 ट्रांजेक्शन हो गई. तो वो 1,000,000 तक वो नंबर पहुंच गया. 1,000,000,000 ट्रांजेक्शन हो गई, 1,000,000,000 तक पहुंच गया वो. तो उसको कैरी करने के लिए उन्होंने 64 बाइट का वेरिएबल रखा था. 64 बाइट इज अ लॉट. अच्छा शायद मैं पता नहीं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, इसी तरह का कुछ नंबर था, बारह बहुत बड़ा नंबर था. तो वो उतना नंबर पहुंचेगा नहीं मोस्ट प्रॉब्ली. तो 64 बाइट का उन्होंने रखा था, तो बहुत बड़ा नंबर है. तो हमें अपने केस को देखते हुए साइज उसका चेक करना पड़ता है. अच्छा हमने अब ये तो मुकम्मल तौर पे मास्टर कर लिया इस चीज को कि वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती कैसे है. अच्छा अब सवाल आया था यहां से, जो कि मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि सवाल ये आना चाहिए कि ये तो पॉजिटिव वैल्यू है सारी, अगर मुझे इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू स्टोर करवानी है तो मैं क्या करूं. जी नहीं नहीं वो अभी अभी कंप्यूटर याद नहीं हुआ, अभी मेरे पास बिस्किट्स हैं सिलिकॉन वाले. इस बिस्किट में मैं ऐसा क्या करूं कि वैल्यू जब स्टोर हुई भी हो तो सामने वाले को मैं बताऊं तो वो समझ जाए कि यार ये नेगेटिव वैल्यू है या क्या है. ये सोचो क्या करूं, ऐसा बताओ. लास्ट बिट भाई सब पता है इस बंदे को, पहचान लो इसकी शक्ल. एक ये बंदा है और एक कौन था, क्या नाम था, कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड वाला कौन था, हुसैन. दो बंदे हैं यहाँ पे, सब आता है इनको, शक्लें पहचान लो इनकी. अच्छा वैसे आज जाने से पहले पहले ये क्या कहते हैं, आपस में तुम लोग दोस्तियां करो, नंबर वंबर एक्सचेंज करो. जैसे अब वो ऑटो कैडेट का बंदा है, तुम तीनों बैठे हुए हो ना साथ में, आपस में दोस्तियां करो यार. ये लड़कियां जो बैठी हुई हो तुम लोग, आपस में दोस्तियां करो. ये दोस्ती वाली कहानी तुम शायद नहीं थी उस वक्त, जब दोबारा जाके लाइव देख लेना कि मैंने क्या कहानी सुनाई थी. तो मगर अभी आपस में एक दूसरे से दोस्तियां, क्योंकि देखो सब ऑलमोस्ट एक जैसे हो ना, किसी का कॉमर्स का बैकग्राउंड है, केमिस्ट्री का है, किसी का फाइनेंस का है, कॉमर्स वगैरह का. तो आपस में एक दूसरे की हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा यार. अच्छा तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम कितना रह गया है, 8 बजे तक है ना. हाँ है, अभी आधा घंटा है, बहुत टाइम है. बोर तो नहीं हो रहे हो तुम लोग, कोई ऐसा तो नहीं है जो बोर हो रहा है. बोरियत खत्म करने वाले भी हैं मेरे पास आइटम. अच्छा तो इसका क्या तरीका निकाला गया नेगेटिव वैल्यू को स्टोर करवाने का, दो तरह के ना क्लासिफाई कर दिया गया. इन्होंने कहा कि यार एक होगा साइन नंबर और एक होगा अनसाइन नंबर. अच्छा अभी जो हम वाला कर रहे थे उसमें कौन सा था, वो अनसाइन नंबर था. इसमें साइन बताया नहीं जा रहा, इसमें साइन का जिक्र नहीं हो रहा. अच्छा साइन का जिक्र नहीं हो रहा, इसका मतलब डिफॉल्ट में वो पॉजिटिव उसको समझता है कंप्यूटर हमारा, या जो भी जो बंदा उसको पढ़ रहा है. क्योंकि अभी तो कंप्यूटर याद नहीं हुआ ना, बिस्किट्स हैं हमारे पास, बिस्किट्स हमने दिए सामने वाले को और वो बिस्किट में वैल्यूज होल्ड किया हुआ हमने. तो हमने बाय डिफॉल्ट वो उसको समझेगा, अगर साइन का जिक्र नहीं है किसी जगह तो वो समझेगा उसको कि ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं सारी, और उसको वो कैलकुलेट कर लेगा जैसे हम करते रहे थोड़ी देर पहले तक. अच्छा फिर हमने कहा कि एक ऐसे हमारा होगा जिसमें साइन भी मौजूद होगा, साइन भी मौजूद होगा. अच्छा साइन को कैसे कैरी किया जाएगा, सबसे जो इस तरफ वाला है ना, हम वापस अपने स्केल पे आ जाते हैं. ये जो हमने स्केल बनाया हुआ है ना, इस पे आ जाते हैं वापस हम. अच्छा और ये रस्ट के जो लेयर्स हैं इसको भी हम थोड़ा साइड पे कर देते हैं, ठीक है. ये रस्ट को हमने साइड पे कर दिया. अच्छा ये जो हमारा स्केल है इसके मुताबिक ये लास्ट वाला जो 128 है ना, इसको हम उड़ा देते हैं. अब इसकी वैल्यू 128 नहीं है, अब इसकी वैल्यू क्या है, प्लस या माइनस, ठीक है, या तो प्लस या तो माइनस. अगर ये 1 है तो इसका क्या मतलब है कि ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है. अगर 1 है तो इसका मतलब है नेगेटिव है, ठीक है. ये स्टैंडर्ड सेट किया है, किसी ने किया है, मुझे नहीं पता किसने किया है, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है. अगर मैं होता तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं 1 पे इसको मैं पॉजिटिव रखवाता, लेकिन अब नहीं था मैं, अफसोस. और किसी ने कर दिया, ये गलती कर दी, गलती तो खैर नहीं की, कुछ सोच के किया होगा. तो अगर ये 1 है तो इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू जो है वो क्या है,
नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि अब मैं इतने नंबर को कैलकुलेट करूंगा, इतने नंबर का जो भी रिजल्ट आ रहा है ना वो लिखूंगा मैं, और साइन उसके साथ क्या लगाऊंगा, नेगेटिव का साइन, क्योंकि ये जो साइन वाला आइटम है ना ये हमें बता रहा है कि ये नेगेटिव नंबर है। अच्छा, अगर ये वन की जगह जीरो होता तो इसका क्या मतलब है कि ये पॉजिटिव नंबर है, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम क्या हुई कि अब वन बाइट में मैं कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर करवा सकता हूं, अब कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर, क्योंकि एक बिट तो गया हमारा, यूटिलाइज हो गया साइन के चक्कर में, अब कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर करवा सकता हूं, गिनो सोचो, सोच के बताओ, लिखा हुआ है ना, इसको ऐड कर लो आपस में आ जाएगा। वन ट्वेंटी, गुड यार, जबरदस्त। अच्छा, अब इसको जरा सा हम अंदाजा लगाते हैं कि क्या है ये, मैं भी कैलकुलेट करता हूं साथ में। अच्छा, 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 127 है, सही है, 127 तक की वैल्यू इसमें स्टोर हो सकती है, उससे ज्यादा की वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, क्योंकि है ही नहीं ना, बिट है ही नहीं हमारा, एक बिट चला गया, एक बिट हमारा उसके चक्कर में यूटिलाइज हो गया। अच्छा, और क्या कहते हैं, अब 127 आ चुका है और जो भी वो साइन होगा वो साइन हम इसके साथ लगा देंगे, सिंपल है, सिंपल इनफ। अच्छा, ये समझ आया। अब ये बताओ कि दो बाइट है हमारे पास, जी जीरो वैल्यू के, तो सब जीरो है ना, सब जीरो है। अच्छा, एक्चुअली तुमने सवाल बड़ा अच्छा किया है, टेक्निकल सवाल किया है तुमने, क्योंकि वो जीरो में एक कम सेव करवाता है, पॉजिटिव में वो 128 तक जाता है, यही कहना चाह रहे हो ना, पॉजिटिव में 128 तक जाता है वो, और सॉरी नेगेटिव में 128 तक जाता है और पॉजिटिव में वो 127 तक आता है, यही सवाल है ना तुम्हारा, हालांकि यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा, तो वो जीरो में ना सब जीरो हो जाते हैं, ये बेनिफिट हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा हाई लेवल पे समझो, जो जीरो है ना, जीरो वो पॉजिटिव वैल्यू है एक्चुअली, तो वो पॉजिटिव में भी उतना ही जा रहा होता है, नेगेटिव में भी उतना ही जा रहा होता है एक्चुअली। मतलब अगर आपने कोई साइन वेरिएबल लिया है तो नेगेटिव में उसमें 128 तक का नंबर सेव हो जाता है, पॉजिटिव में 127 तक आके रुक जाता है वो। उसका रीजन ये है कि वो पॉजिटिव का जो जीरो है ना, जीरो उसको वो पॉजिटिव कंसिडर करता है, तो वो एक्चुअली पॉजिटिव में जीरो से 127 है और नेगेटिव में माइनस वन से 128 है, तो ये इधर भी 127 है, इधर भी 127 है, समझ रहे हो ये क्यों हुआ है? इस बात को दोबारा सुनना रिपीट करके, अगर ये समझ ना आई हो तो। आसान बात है, थोड़ी सी मतलब घुमा हुआ है, आसान बात है, लेकिन इसको दोबारा सुनोगे ना मेरी इस बात को, आसानी से समझ आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमने ये देखा कैलकुलेटर में, कहाँ गया कैलकुलेटर, बंद कर दिया मैंने, चलो, हमने ये देखा कैलकुलेटर में कि जब इतना जो है यहां से लेके यहां तक, इसमें 127 तक के नंबर आ रहे हैं, 127 तक के नंबर आ रहे हैं, और आखिर वाला जो वो पायरेटी है, पायरेटी कह रहा हूं, साइन है उसका, साइन है उसका वो, तो वन नेगेटिव में 128 तक कैसे चला जाता है, जीरो को शामिल करके पॉजिटिव में वो 128 तक जाता है, एग्जैक्टली सही है, वो इस वजह से आ जाता है। अच्छा, इसी में जब बात निकल आई है तो और भी बताऊं मैं कि जीरो पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका क्या मतलब है। किसी आपने कोई कैन खरीदा, कोई जैसे आपने जूस वगैरह कोई खरीदा कैन, उसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि 0% अल्कोहल, तो इसका क्या मतलब है कि अल्कोहल उसमें है, उसका ये मतलब है, मतलब 0.0001 तो वो जीरो ही हुआ, तो वो 0% इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो कभी भी किसी कैन पे अगर लिखा हुआ है ना कि 0% अल्कोहल या 0% शुगर, तो इसका मतलब है शुगर उसमें है या अल्कोहल उसमें है, तो 0% इज अ पॉजिटिव वैल्यू। खैर, तो इसलिए वो उसको कंप्यूटर साइंस में हमेशा जीरो को पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है हाई लेवल पर। अच्छा, तो ये हमने देख लिया। अच्छा, अब दो बाइट में, ये तो सिंगल बाइट में हमने देख लिया क्या क्या सीन है, दो बाइट में ये काम कैसे हो रहा है, सेम तरीका है। अच्छा, अब कौन सी वैल्यू ड्रॉप होगी, ये वाला ड्रॉप हो जाएगा, आखिरी वाला जो बेटा सबसे। अब ये क्या होगा, ये जो थ्री
2768 है ना, ये नहीं है अब। अब इसकी जगह क्या है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अच्छा, अब कहां तक की बाइट यूटिलाइजेबल है, यहां तक की जो बाइट है ना, इतनी बाइट्स, ये बाइट हम यूटिलाइज कर सकते हैं अगर साइन वैल्यू है तो। अनसाइन तो हम पहले देख चुके हैं ना, उसमें तो होता ही नहीं है साइन, तो उसमें सब, तो इसमें ये आखिरी वाला जो बाइट है हमारा, बिट है हमारा, एक आखिरी बिस्किट, वो हमारा गया। तो अब इतने में जितनी वैल्यू होती है स्टोर, वो अब कैलकुलेटर से जैसे हमने किया था वैसे कर लें, कोई 32,000 तक की कोई बनती है वैल्यू। तो साइन की वजह से जो एक बिट हमारा गया, तो वैल्यू आधी हो गई, 32,000 हो गई। वन बिट में क्या था, 255 था, वो 127 तक आ गया। इसमें 65,000 था, 32,000 पे आ गया। ठीक है, तो ये हमने साइन और अनसाइन दोनों देख लिया कि वेरिएबल मेमोरी में एक्चुअली स्टोर होता कैसे है, ये हमने देख लिया। अच्छा, अब हम आते हैं वापस अपने रेफरेंस वाले मसले पे, क्योंकि हमने बात शुरू की थी रेफरेंस से। हमारे रस्ट के कोड ने रिक्वेस्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मुझे मेमोरी में एक बाइट की जगह चाहिए या दो बाइट चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने खाते में देखा कौन सी जगह खाली है, वो जगह निकाली, उसका एड्रेस निकाला और हमारे रस्ट को दे दिया। हमारा रस्ट क्या करता है, इंटरनली उस एड्रेस को जो है ना, इंटरनली क्या करता है, अपने पास कुछ रखता है, स्टोर करता है कि यार मतलब कि आपने वैल्यू 16 भेजी तो वो उसमें रख देता है जाके कैसे। मगर अगर आप चाह रहे हैं, अच्छा अब इस एड्रेस का ना मुख्तलिफ नाम है, इस एड्रेस के क्या है, मुख्तलिफ नाम है। क्या क्या नाम है, रेफरेंस, एक तो एड्रेस खुद नाम है, नंबर दो रेफरेंस, नंबर तीन पॉइंटर, सी लैंग्वेज में उसको पॉइंटर कहा करते थे, और क्या नाम है, अच्छा इसमें भी पॉइंटर भी आगे कहा गया है, अच्छा अच्छा। तो हमने ये दो तीन किस्म के नाम है इसके, तो किसी भी नाम से उसको लिखा हुआ ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस, पॉइंटर और एड्रेस, ये एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज के तीन अलग अलग नाम है। जैसे जो जावा एक लैंग्वेज थी पहले, सी लैंग्वेज में ना पॉइंटर असल में थोड़ा मुश्किल टॉपिक था, सी के जमाने में, रस्ट में तो खैर इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सी का जो पॉइंटर है ना, उसको उसको वो हैंडल्स बड़े मुश्किल हैं वो, क्योंकि सबसे पहले जो मैंने अपनी जिंदगी में लैंग्वेज सीखी थी वो सी लैंग्वेज सीखी थी, तो उसको मैंने पूरा मास्टर किया था, मैं पढ़ाता भी रहा हूं काफी टाइम तक सी लैंग्वेज वगैरह, तो उसमें ना पॉइंटर बड़े मुश्किल होते थे, लोगों का ना पॉइंटर का नाम सुन के हवा टाइट हो जाती थी कि यार ये पॉइंटर नहीं होगा। तो जावा वालों ने क्या किया, उसी चीज का नाम चेंज कर दिया, उसको उन्होंने कहा कि यार रेफरेंसेस, और उन्होंने ये क्लेम किया कि हमारे पास ना पॉइंटर नाम की कोई चीज नहीं है भाई, जावा में पॉइंटर वॉइंटर नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन इंटरनली काम वही हो रहा था, नाम क्या रखा, रेफरेंस। अच्छा, फिर पॉइंटर के नाम की ऐसी एक वहशत है ना मार्केट में, कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब आती है पॉइंटर का नाम ही यूज नहीं करते, ऐसे वहशत है मार्केट में कि यार पॉइंटर कोई बहुत ही मुश्किल चीज हो, हालांकि मुश्किल है नहीं वो, अगर समझ आ जाए ना एक बार तो मुश्किल नहीं है। तो वैसे तो समझ आ जाए तो मैथ भी मुश्किल नहीं है, अलजबरा जो जब जो भी मुश्किल किस्म की जो मैथ्स होती है जिससे लोग डरते हैं, समझ में आ जाए तो वो भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मार्केट में बहुत वहशत है इसकी, पॉइंटर के नाम की। तो अब इसको नाम चेंज करके रेफरेंस लोग रखते हैं इसका नाम, या तो एड्रेस नाम रखते हैं इसका, या इस तरह के नाम रखते हैं। वो आ गया हमारे रस्ट के पास, रस्ट उसको इंटरनली हैंडल कर रहा है, लेकिन रस्ट ने हमें ये ऑप्शन दिया है कि हम उसकी रेफरेंसिंग कर सकें, हम उसकी क्या कर सकें, रेफरेंसिंग कर सकें हम उसकी। अच्छा, रेफरेंसिंग में एक्चुअली हम करते क्या हैं, अच्छा मगर रेफरेंसिंग करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक वेरिएबल में आइटम होते क्या क्या हैं। एक वेरिएबल जो हमें मिलता है उसमें क्या क्या आइटम होते हैं, हाई लेवल पे बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले वेरिएबल का नाम होता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर नाम, अच्छा नाम मैंने रख दिया कि वेरिएबल का नाम मेरे ए बी सी है, ठीक है ये वेरिएबल का नाम हो गया मेरे। अच्छा और क्या होता है भाई, उसकी जो भी वैल्यू है ना उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है, वो तो जाहिर सी बात है वेरिएबल के अंदर तो होती नहीं है वैल्यू स्टोर। वैल्यू स्टोर कहाँ होती है, मेमोरी के अंदर होती है। वेरिएबल कहाँ स्टोर हो रहे थे, जो भी वैल्यू है मेमोरी में होती है, वो वेरिएबल में कुछ नहीं होता। अच्छा तो उसका क्या है, एड्रेस है यहाँ पर। अच्छा वो एड्रेस क्या है, वो कुछ हेक्साडेसिमल टाइप की कुछ होती होगी वैल्यू, ठीक है 00152A6 ऐसे कुछ लंबा सा वो ऐसे एड्रेस होता है, क्योंकि इतने सारे बाइट्स हैं तो हर बाइट का अलग अलग एड्रेस है, हर बिट का, तो वो एक लंबा सा एक एड्रेस होता है, तो वो एड्रेस होता है एक्चुअली। अच्छा हम जब भी ना उस वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, हम जब प्रिंट एलन में बताते हैं कि यार इस ए बी सी का जो वेरिएबल है इसको प्रिंट कर दो, तो होता क्या है कि
रस्ट चूंकि इंटरनली हैंडल कर रहा है, एड्रेसेस सब पता है उसको कि क्या चक्कर है, तो वेरिएबल में ना वो जाता है उस जगह पे और वहां से वो निकालता है उसको लाके प्रिंट कर देता है, हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता नहीं चलता कि क्या हुआ पीछे। अच्छा, इसी तरीके से अगर इस वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल में कॉपी करते हैं तो आप लोग वो कॉपी वाला कॉन्सेप्ट सारा आपको पता है कि इसमें क्या है। अच्छा, अब इसमें होते हैं दो तरह के वेरिएबल्स, एक होते हैं प्रिमिटिव वेरिएबल और एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल। अच्छा, प्रिमिटिव वेरिएबल कौन से होते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनाई जाती है तो उसके साथ वो हमें मिलते हैं बाय डिफॉल्ट। नॉन प्रिमिटिव कौन से होते हैं, गैर प्राचीन, तो वो वाले होते हैं जो लाइब्रेरीज के थ्रू हमें मिलते हैं या हम खुद जो हमने खुद डेटा टाइप बनाई हुई होती है उसके थ्रू हमें जो मिलते हैं वो होते हैं नॉन प्रिमिटिव। अच्छा, तो अब इन दोनों में ना फर्क है, इन दोनों में फर्क ये है कि जो तो है प्रिमिटिव वेरिएबल, जो प्रिमिटिव वेरिएबल है ना उसको तो रस्ट समझता है, इंटरनली वो हैंडल कर रहा है उसके एड्रेसेस वगैरह सब कुछ, लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव है ना उसमें प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें, अच्छा, स्टैक और हीप का भी फिर कॉन्सेप्ट है, जो प्रिमिटिव वेरिएबल है वो स्टैक में सेव होता है, जो नॉन प्रिमिटिव है वो हीप में सेव होता है। हीप में सेव होने का, अच्छा हीप का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, ऐसे पहाड़ बना होता है ना, ऐसे मट्टी डाल के जाता है ना ट्रक वाला, ऐसे कैसे पहाड़ बन जाता है, तो उस पहाड़ के टाइप की जो ढेर ढेर कहते हैं एक्चुअली उसको, अंग्रेजी में इसको हीप लफ्ज है इसके लिए, ढेर लगा हुआ है, पड़ा हुआ है ढेर। अच्छा, उस ढेर में क्या पता होता है कि सबसे टॉप पे क्या मतलब मोटी वाली मट्टी होगी, फिर नीचे पतली होगी, कोई उसमें ऐसा होता नहीं है, वो कोई भी किस्म की जो मट्टी है ना वो मिक्स होती है सारी आपस में, कुछ पता नहीं चलता कौन सी कहाँ पर है। तो स्टैक में जो वेरिएबल सेव होता है, जो वैल्यू सेव होती है, वो एक सीक्वेंस एक होता है, आप जो क्लास में भी पढ़ चुके हैं पहले। स्टैक हीप में तो मसला नहीं है किसी को, ताकि मैं इसको फिर ज्यादा इस पर डिटेल में ना जाऊं। हीप में क्या होता है, जगह जगह वैल्यू फैली हुई होती है। अच्छा, तो नॉन प्रिमिटिव जो है ना वो सारी हीप में सेव हो रही होती है। अच्छा, और हमारे पास जो हमारा वेरिएबल है, अच्छा उसमें फिर एड्रेस भी उस हीप में से सारे एड्रेस इसमें आए हुए होते हैं। ऊपर से तो जाना नहीं शुरू हो गया लोगों के, ऊपर से जा रहा है अब नहीं, अगर जा रहा तो बताओ ताकि मैं फिर थोड़ा सा या तो तुम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करूं किसी दूसरी कहानी में, ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। अच्छा, एक काम करते हैं, 5 मिनट में ना अपने जरा सा बराबर वाले को समझाओ कि अभी तक जो हमने क्या बात की है, ये वेरिएबल जो सेव हो रहा है, एड्रेस आ रहा है, ये क्या बात हुई है, जरा सा अपने बराबर वाले को समझाओ सब 5 मिनट। इतने देर में मैं भी थोड़ा सा ब्रेक ले
अच्छा तो भाइयों और दोस्तों, कुछ थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया माइंड, तो हम आगे पढ़े अब इसको। कितने लोग बोर हो रहे हैं? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बस बोर नहीं हो रहे हो, बाकी सब खैर है। हाँ, छुट्टी होने वाली है, 8 बजे होगी छुट्टी। 10 मिनट है हमारे पास, तो हम थोड़ा सा हम कवर करते हैं मजीद। 5 मिनट है हमारे पास, तो क्या कहते हैं। अच्छा, वैसे मसला नहीं है, अगर जो लाइव में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, मुझे अभी बताया इन्होंने, वो मैं शायद नहीं ले पाया, क्योंकि एक्चुअली मसला ये है मेरे पास ना, सामने मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं स्क्रीन पर कोई क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हुए ना। तो एक्चुअली मैं क्या करूंगा, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो मैं सॉरी यार, लाइव में जो लोग मुझे बैठे हुए देख रहे हैं, बहुत माजरत आपसे, मैं आपके सवालात का ना जवाब मैं लिख के दे दूंगा घर जाके ना, आधा घंटा निकाल के मैं लिख के उसमें मैं जवाब दे दूंगा, या अलग से मैं, मेरे पास घर पे भी ये है वीडियो का, तो मैं वो वीडियो एक अलग से उनके लिए बना दूंगा, वो सारे क्वेश्चन उसमें ले लूंगा मैं, तो बहुत माजरा तैयार। अच्छा, तो हम कहाँ तक पहुंचे थे? हम यहाँ तक पहुंचे थे कि वेरिएबल में क्या क्या होता है, एक उसका नाम होता है और एक उसका क्या होता है, एड्रेस होता है। अच्छा, जो प्रिमिटिव होता है, यानी कि जो लैंग्वेज के साथ आया है, उसमें तो हमें ये मसला सोचने की जरूरत नहीं होती कि क्या है नहीं है। नॉन प्रिमिटिव में हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत होती है, जो कि आप कॉपी वाले टॉपिक में आप देख चुके हैं, जो कॉपी वाला जो टॉपिक है उसमें आप देख चुके हैं वो। अच्छा, मगर हम ना अभी नॉन प्रिमिटिव को डिस्कस करते हैं मिसाल के तौर पे। अच्छा, फिर ये ऑनरशिप वाला भी कॉन्सेप्ट है यार, थोड़ी देर में ये होगा नहीं, ये लंबी बात है ये समझाने वाली, इफ वाली। अच्छा, इफ का क्या सवाल है? डिफाइन इफ कंडीशन। अच्छा, अब हम क्या करते हैं। अच्छा, सीन टू पे आना पड़ेगा। कहाँ गया वो? अच्छा, और सीन टू पे आने के बाद मुझे टीम व्यूअर खोलना पड़ेगा। अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा है ऑनरशिप के कॉन्सेप्ट में, कि इसमें जो वैल्यू को कॉपी करने वाला चीज है ना, वो डिफरेंट है काफी। तो अगर हम किसी वेरिएबल को फंक्शन में पास करवाते हैं, तो वो साथ में उसकी ऑनरशिप भी चली जाती है, जो नॉन प्रिमिटिव की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसकी ऑनरशिप भी चली जाती है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम ना एक और वेरिएबल बनाते हैं छोटा सा, हम एक और वेरिएबल बनाते हैं छोटा सा, सही है, और उसमें हम एक एड्रेस सेव करवाते हैं। किसका एड्रेस? इस वेरिएबल का एड्रेस, बल्कि उसको एक फ्रेश हम डायग्राम बनाते हैं, इसकी नीचे आते हैं और एक फ्रेश डायग्राम इसकी हम बनाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ओ ओ, अच्छा, हमने क्या किया, एक वेरिएबल हमारे पास था ये वाला, जिसमें क्या मौजूद है, इसका नाम और एड्रेस मौजूद है, नाम जो कि क्या है, वो एबीसी है जो भी नाम है, और एक अदद एड्रेस है, ठीक है जी, एड्रेस है, और वो एक हेक्साडेसिमल एड्रेस है। ये एड्रेस किस चीज का है? एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, ये एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, इसका एड्रेस है ये, यानी कि ये पॉइंट कर रहा है इस मेमोरी लोकेशन को, ये पॉइंटर है इस मेमोरी लोकेशन का, ये रेफरेंस है इस मेमोरी लोकेशन का। हम जो रेफरेंसिंग करते हैं ना रस्ट के अंदर, रेफरेंसिंग में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा वेरिएबल और बनाते हैं, एक छोटा सा वेरिएबल और बनाते हैं हम, जिसमें एड्रेस रख देते हैं हम इस वेरिएबल का, सही है, हम इस वेरिएबल का एड्रेस रख देते हैं इसके अंदर। अच्छा, और इसका नाम डिफरेंट भी हो सकता है, इसका नाम मिसाल के तौर पर मैंने रख दिया जेड, जेड रख दिया। अच्छा, अब होता क्या है कि हम इस एग्जिस्टिंग वेरिएबल का एड्रेस निकाल के ना फंक्शन को पास करवा देते हैं, उससे फायदा क्या होता है कि ऑनरशिप हमारी जाती नहीं है, ऑनरशिप हमारी जाती नहीं है। अच्छा, जब तक ये वेरिएबल रहेगा, ये वाला, जब तक ये वेरिएबल रहेगा, जब तक रहेगा, जिस फंक्शन में पास किया है ना, वो उसमें ये वेरिएबल बन जाता है जाके, जैसे ही वो फंक्शन खत्म होगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, हमारा जो है ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती फंक्शन में। अच्छा, जल्दी से मैं जरा ये लिख के भी दिखा देता हूं आपको। अच्छा, ये कोई दूसरा खुला हुआ है मेरे पास, मैं ऐसे ही आपको इसी में लिख के बता देता हूँ कोड, इसी में मैं लिख के बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, अगर मैं नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो उसमें टाइम लग जाएगा। मैंने कहा FN और ABC, ठीक है जी, ABC मैंने किया, और इसके अंदर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक अदद रेफरेंस। मैंने कहा कि यार मैं
क्या नाम रखा था हमने इसका, जेड, मैं जेड इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा जेड की टाइप क्या है, एम परसेंट स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा एम परसेंट का मतलब क्या है कि मैं रेफरेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं ओरिजिनल वेरिएबल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं ओरिजिनल वेरिएबल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं रेफरेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अच्छा अब इसी तरह एज्यूम करो कि हम मेन के अंदर मौजूद है, एज्यूम करो। अच्छा मैंने बनाया एक, सॉरी मैंने बनाया एक लेट, इसका क्या नाम था हमारे, इसका नाम एबीसी था ना, इसका नाम एबीसी था, इसका नाम एबीसी है, ठीक है। तो हम एबीसी के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट एबीसी इक्वल टू, और हमने कहा स्ट्रिंग फ्रॉम जो भी होता है, अभी चूंकि मेरे पास कुछ और कोड खुला हुआ है तो यहां पे मुझे इंटेलिजेंस वगैरह मिल नहीं रही है, और मैंने लिख दिया इसमें पाकिस्तान, ठीक है जी। अच्छा मैंने ये लेट एबीसी पाकिस्तान लिखा, अब मैं इसको पास करना चाह रहा हूं किसके अंदर, अच्छा मेन का भी फंक्शन बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है जी। अब ये मेन के फंक्शन के अंदर आ गए, मेन के फंक्शन में, और ये हमारा जो नीचे वाला एबीसी फंक्शन है ये मेन से बाहर है, कहीं और है ये। अच्छा अब मैं इस एबीसी को जो है मैं कहां पास करवाना चाह रहा हूं, अपने फंक्शन में, कौन से फंक्शन में, जो मैंने अपना खुद का फंक्शन बनाया है एबीसी उसके अंदर, सॉरी अच्छा फंक्शन का भी नाम मैंने एबीसी रख दिया और इसका भी नाम एबीसी रख दिया। इस फंक्शन का क्या नाम रखा जाए, इसका नाम रखा जाए, इसका नाम रख लेते हैं एफ यू एन सी रख लेते हैं, सही है ये नाम रख लेते हैं, या इसका नाम फू रख लेते हैं, फू नाम है इसका। अच्छा तो अब ये फू का फंक्शन मैंने जब यहां कॉल किया तो इसमें मैं पास करवाना चाह रहा हूं कौन सी वैल्यू, जो वेरिएबल है मेरा उसको पास करवाना चाह रहा हूं। अगर तो मैंने ऐसे करके दिया इसको एबीसी तो दो मसले होंगे, एक तो मेरी ऑनरशिप चली जाएगी, दूसरा मसला वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा क्योंकि अंदर वो ओरिजिनल वेरिएबल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, रेफरेंस एक्सपेक्ट कर रहा है उसका। अच्छा तो मैं क्या करूंगा, मैं एम परसेंट लगाऊंगा इसके साथ और ऐसे करके दे दूंगा, सही है यही सिंटैक्स है, सही लिखा है मैंने, गलत तो नहीं लिखा। अच्छा तो अब क्या होगा कि जैसे कि हमने यहां देखा था, अब एक ये नया बनेगा एक वेरिएबल जिसमें क्या मौजूद होगा, उसका एड्रेस मौजूद होगा, वो एड्रेस जाएगा फंक्शन के अंदर। अच्छा फंक्शन के अंदर वो एड्रेस जाएगा, अच्छा क्या मैं उस एड्रेस के थ्रू ओरिजिनल वेरिएबल को चेंज कर सकता हूं, अभी के केस में क्या मैं उस एड्रेस के थ्रू ओरिजिनल वेरिएबल को चेंज कर सकता हूं। मिसाल के तौर पर मैं यहां ड्राइंग में देखते हैं, मेरे पास ये जेड मौजूद है, जेड में कौन सा एड्रेस है, इस पूरे वेरिएबल का एड्रेस है, इस पूरे का, और इस पोर्शन में ये जो एड्रेस है ना, ये एड्रेस किसका है, ये इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। अच्छा तो क्या मैं ये जेड पे खड़ा होके मैं इस ओरिजिनल वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अच्छा उसका जवाब ये कि मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। पहले नंबर वन, इस वेरिएबल को म्यूटेबल बनाना होगा, सही है नंबर वन, क्योंकि ये तो इम्यूटेबल है ना, अभी तो म्यूटेबल है ही नहीं है हमारे कोड के मुताबिक, तो इसको सबसे पहले तो म्यूटेबल बनाना होगा। तो मैंने कहा कि यार इसको म्यूटेबल बनाओ, सही है। अच्छा म्यूटेबल बनाया, अच्छा अब जब मैं इसका रेफरेंस क्रिएट करता हूं ना, इसको तो मैंने म्यूटेबल बना दिया, सही है मट, ये म्यूटेबल वेरिएबल है, ये चेंज होने वाला वेरिएबल है, अदरवाइज तो ये चेंज ही नहीं होगा, तो रेफरेंस बना लो कुछ भी कर लो चेंज नहीं होगा। अब जब मैंने ये वाला आइटम बनाया ना इसका, जो कि एड्रेस मैंने इसका एक्सट्रैक्ट किया है, अलग किया एड्रेस, या एक नया इसका रेफरेंस बना लिया जो भी कहो इसको, डी रेफरेंसिंग कहो इसको, तो ये बनाते हुए भी मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो मैं रेफरेंस क्रिएट कर रहा हूं, क्या मैं इसको प्रिविलेज दे रहा हूं कि ये ओरिजिनल वेरिएबल को भी चेंज कर सके, या नहीं दे रहा हूं। अच्छा तो उसके लिए हम इस तरह के रेफरेंस को क्या कहते हैं, म्यूटेबल रेफरेंस, ठीक है। जो अभी जो रेफरेंस बना हुआ है ना, राइट नाउ लाइन नंबर 37 में आप देखें, अभी जो रेफरेंस बना हुआ है, इस रेफरेंस के पास ये एक्सेस नहीं है कि ओरिजिनल वेरिएबल को चेंज किया जा सके, ठीक है। अच्छा इसमें मुझे यहां पे ना MUT ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो रेफरेंस बनाया, ये ऐसा रेफरेंस बनाया जो म्यूटेबल रेफरेंस है ये। अच्छा अब मैं आया फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर आके मैंने कहा कि प्रिंट ln, और ये एक्सप्लेनेशन मार्क लगा के मैंने कहा कि यार z को जो है ना आप प्रिंट करवा दो,
जेड को आप क्या कर दो, प्रिंट करवा दो, ठीक है, ऐसे ही होता है प्रिंट, सही लिखा है मैंने? अच्छा, मैंने प्रिंट एलन करके मैंने जेड को प्रिंट करवा दिया, और इसके आखिर में मैंने सेमी कॉलन भी लगा दिया, सेमी कॉलन लगा दिया सब जगह ताकि एरर ना आए, ये प्रिंट हो गया। अच्छा, ये प्रिंट तो पहले भी होता, प्रिंट ये पहले भी होता, जो इम्यूटेबल रेफरेंस था पुराना वाला उसमें भी प्रिंट ये करता रहता, उसमें मसला नहीं आता, लेकिन अब जो मैंने दिए ना उसको, वो चीज़ उसके थ्रू मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि जेड को जो है ना जेड इक्वल टू कुछ और कर दो, कोई नया स्ट्रिंग बना दो, ये ऐसे कर दो, मतलब जैसे ऊपर था वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा कि इसके अंदर अब क्या कर दो, कराची कर दो, तो क्या अब ओरिजिनल वेरिएबल चेंज हो जाएगा? हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, हो जाना चाहिए, चूंकि मैंने उस रेफरेंस को ये मेंशन कर दिया उस रेफरेंस में कि ये रेफरेंस क्या है, म्यूटेबल रेफरेंस है, ये जो रेफरेंस है वो क्या है, ये म्यूटेबल रेफरेंस है, तो अब उस रेफरेंस के थ्रू ओरिजिनल वेरिएबल को भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, मैं आया, अच्छा थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा मुझे, अच्छा मैं आया, मेरा कोड चलना शुरू हुआ लाइन नंबर 33 से, चला लाइन नंबर 35 में आया, एक वेरिएबल बन गया, लाइन नंबर 37 में आया, एक फंक्शन कॉल हुआ, और उसमें ये एबीसी का क्या पास हो गया, रेफरेंस पास हो गया। अच्छा, मेरा कोड यहां पे पॉज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, कोड का कंट्रोल उठ के कहां चला जाएगा, लाइन नंबर 43 में, जहां पे वो फंक्शन डिक्लेयर हुआ हुआ है, ठीक है, जहां पे वो फंक्शन डिक्लेयर हुआ हुआ है, यहां पे जो जेड है इसके अंदर वो रेफरेंस उठ के ही आ जाएगा, ये रेफरेंस ना उठ के ये जेड में आ जाएगा पूरा, ठीक है, ये एड्रेस यानी के। अच्छा, अब चला मेरा कोड 45 पे पहुंचा, प्रिंट हो गया भाई, जो भी था वो प्रिंट हो गया, लाइन नंबर 47 में पहुंचा, जेड की वैल्यू ही चेंज हो गई। अच्छा, अब फंक्शन खत्म हुआ, फंक्शन खत्म होते ही ये जेड क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, मेमोरी से डी एलोकेट हो जाएगा, लेकिन एबीसी अपनी जगह मौजूद है, एबीसी कहीं नहीं गया, और एबीसी की ओरिजिनल वैल्यू क्या हो चुकी है, अब चेंज हो चुकी है। अच्छा, तो अब अगर मैं यहां पे आके प्रिंट एलन करके इसको मैं अगर प्रिंट करवाता हूं एबीसी को, ठीक है, अगर एबीसी को मैं प्रिंट करवाता हूं तो क्या प्रिंट होगा, क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए यहां पे, जो कि यहां रखी थी वो प्रिंट होनी चाहिए या नई वैल्यू, नई वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, क्योंकि अब रेफरेंस जो था वो क्या था, म्यूटेबल रेफरेंस है। अच्छा, म्यूटेबल इम्यूटेबल में कंफ्यूजन तो नहीं होती किसी को, मतलब मुझे होती थी पहले कि यार इम्यूटेबल का मतलब क्या है और म्यूटेबल का मतलब क्या है, मैं मिक्स कर देता था, किसी को अगर मसला है तो वो तरीका है उसका, स्लो प्रोसेसर वाले ना तरीका निकाल लेते हैं कहीं से, तो अगर मेरी तरह का कोई स्लो प्रोसेसर वाला है तो तरीका है उसके लिए। अच्छा, देखो मूवी देखी है तुम लोगों ने, वो वाली थॉर वाली, जिसमें गॉडेस होते हैं, गॉड और गॉडेस, उसमें क्या होता है, एक होते हैं इमॉर्टल्स, इमॉर्टल्स जो कि गॉड और गॉडेस होते हैं, उनको छुरा मारो ना मरते नहीं है, वो आपस में एक दूसरे को काट पीट के अगर मरते नहीं है, अगर वो क्या है, वो इमॉर्टल है। अच्छा, तो इमॉर्टल इज इक्वल टू इम्यूटेबल। अच्छा, और उसमें होते हैं मेयर मॉर्टल, उसी मूवी में एक तो इमॉर्टल है, एक होते हैं मेयर मॉर्टल, मेयर मॉर्टल वो ह्यूमंस को कहते हैं कि जो मर जाते हैं, मतलब गला काटो तो मर जाते हैं, मतलब नॉर्मल होते हैं, तो उसको वो कहते हैं मेयर मॉर्टल। तो मेयर मॉर्टल जो वो म्यूटेबल है, असल में म्यूटेशन जो वर्ड है ना अंग्रेजी का, कभी भी किसी चीज के समझना हो ना मतलब, तो उसके नाम के मतलब में देखा करो, आधी कहानी छुपी हुई होती है नाम में। तो म्यूटेशन का जो मतलब होता है अंग्रेजी के अंदर, वो जैसे डॉक्टर ना कभी हाथ काटना पड़ जाए किसी का, या तो उसको वो म्यूटेशन एक्चुअली कहते हैं। आपने सुना होगा ना अक्सर कि ऑपरेशन करके हाथ काटा गया या कुछ चेंज किया गया, बाज़ दफ़ा हाथ को हटा के वो मैकेनिकल आर्म लगा देते हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें म्यूटेशन कहलाती हैं। देखा वुल्वरीन वाली मूवी देखी है तुमने, उसके ऐसा चाकू निकलता है, यहाँ पे फिट किया हुआ होता है मैकेनिकली, तो वो एक्चुअली म्यूटेशन हुई भी होती है उसकी, कि वो उसके हाथ को ना खोल के ऑपरेशन करके उसका चाकू फिट किया हुआ होता है, वो बटन दबाते हैं ना ऐसे, ऐसा चार चाकू निकल आते हैं, ऐसे मार देता है बंदे को, तो वो म्यूटेशन है। तो म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज कर देना, ओरिजिनल चीज थी चेंज कर दिया उसमें, वो म्यूटेशन है। तो अगर किसी चीज में म्यूटेशन हो सकती है तो वो म्यूटेबल है, अगर नहीं हो सकती तो इम्यूटेबल है या इमॉर्टल है। इमॉर्टल
चेंज, मतलब मरना भी तो चेंज होता है ना, कि यहाँ से निकल गए वहाँ निकल गए, तो वो चेंज नहीं होता उनमें, वो मरते नहीं है। तो जो इम्यूटेबल है वो चेंज नहीं होता। अच्छा, तो ये म्यूटेबल इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, थोड़े से रेफरेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा, ऑनरशिप का भी मेरा बड़ा दिल कर रहा था डिस्कस करूं एक ऑनरशिप की भी कहानी, मगर हमारे पास टाइम ओवर हो चुका है और हमारे भाई अब वेट कर रहे हैं मेरा, तो हमें ख़त्म करना पड़ेगा ये सेशन। अच्छा, और मैं आखिर में एक बात कहूंगा यार, बड़ी अच्छी ऑडियंस हो तुम लोग। देखो, हमेशा जो है ना, जो अच्छी ऑडियंस होती है वो बड़े नसीब से मिलती है, तो तुम लोग बहुत अच्छी ऑडियंस हो, मुबारक हो इस बात पे, अपने लिए क्लैपिंग कर दो। मतलब मुझे बड़ा मज़ा आया तुम लोगों से बात करके यार, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने जिंदगी भर बड़ी क्लासें मैंने पढ़ाई हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि अच्छी ऑडियंस मिलती है, तो तुम्हारी जो क्लास है इस वक्त बैठी हुई है, जो सब लोग बैठे हुए हो, वो तुम उन अच्छी ऑडियंस में से एक ऑडियंस हो, तो बहुत मुबारक हो इस बात पे। चले यार, जो भी लाइव देख रहे थे लोग, उनसे भी मैं इजाज़त चाहूँगा और आप लोगों से भी इजाज़त चाहूँगा। अच्छा, जो जिन मेरे पास यहाँ पे दो तीन पर्चे पड़े हुए हैं, जो सवाल आए हैं, लेकिन मैं वो ले नहीं सका सवाल, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं घर जाके इन का सवाल मैं दूं, सब लोगों को जवाब दूं। और आप लोगों के भी अगर कोई सवाल हैं तो वो मुझे लिख के दे दें, ताकि मैं घर जाके फिर दोबारा ऐसे ही बैठ के ना लाइव वो मैं जवाब दे दूं सबको। बहुत बहुत शुक्रिया। रस्ट इंस्टॉलेशन।